तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक, इस चैप्टर में यार सबसे पहली बात जो इसको इसका नाम सुन के ही दिमाग में आती है वो है मोशन। मोशन के बारे में हम लोग बेटा पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अब हम लोग उस मोशन के कॉज के बारे में बात करने चल रहे हैं कि आखिर वो मोशन क्यों हुआ, कौन सा ऐसा फैक्टर था जिस वजह से मोशन हो रहा है। तो बेसिकली कोई भी जो मोशन होता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है फोर्स। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स। फोर्स को समझने से पहले हम लोगों को एक दो चीजें और पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला टर्म होता है आपका लीनियर मोमेंटम। सबसे पहला टर्म क्या है? लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, मोमेंटम का मतलब शायद आप लोगों को पता होगा P इज इक्वल टू एम वी, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि उसके पास लीनियर मोमेंटम होगा। तो आप कहेंगे सर लीनियर मोमेंटम जो है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी विच इज इक्वल टू एम वी। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो पी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स वी वेक्टर। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की होती है। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए, हेडिंग डालिए लीनियर मोमेंटम, उसमें लिखिए इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एंड वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म अपने पास आ गया लीनियर मोमेंटम, डिनोट कर लीजिए p वेक्टर से, p वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स v वेक्टर। इसके बाद एक अगला टर्म इसी में आता है इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में आप लोग क्या जानते हैं बेटा? मोशन। इनर्शिया का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग आलस। और आलस जो होता है वो किसी भी बॉडी का, किसी भी ह्यूमन का, किसी भी एनिमल का, उसका फंडामेंटल राइट है। आलस करना मतलब कोई ऐसा नहीं कोई जानबूझ के आलसी होता है, वो आलस उसका अपना फंडामेंटल राइट है। कोई नहीं चाहता ठंडी में सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना पड़े, केवल तुम ही नहीं, हम भी जब उस एज में थे तो हम भी नहीं चाहते थे, इवन आज भी नहीं चाहते कि सुबह सुबह हमें ठंडी में उठना पड़ जाए 5 ही बजे, समझ रहे हैं। तो वो जो आलस है वो हर बॉडी में है। जैसे ये बैग रखा है तो ये बैग नहीं चाहता कि ये अपने आप उठ के चल दे, ये टेबल नहीं चाहती कि अपने आप कहीं गिर जाए या अपने आप चलने लगे, अपने आप घूम जाए। अगर ये भूत बंगला नहीं है तो, भूत बंगला होगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये नॉर्मल हाउस है तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी ना हो। तो इनर्शिया क्या है? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये दो टाइप की है। सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा भी है इसी में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहला क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो मूव करे। तो उसका मैंने परफेक्ट एग्जाम्पल आपको दिया कि भाई इस टेबल को देख लो, अगर ये टेबल अभी फिलहाल हम लोगों के हिसाब से ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता है और अपने आप ये मोशन नहीं करेगा। सबको पता है वो बैग रखा है, वो बैग हमारे तुम्हारे हिसाब से रेस्ट में है, ठीक, तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है। दूसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट ऑल्सो डज नॉट वॉन्ट टू स्टॉप दैट मोशन। मतलब अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहता है कि हम हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में बने रहें। बात समझ में आ रही है? जैसे छोटा बच्चा जो है अगर वो मिट्टी खा रहा है, चाहता है उसको खाने दो,
कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो खा रहा है तो खाने दो, ये उसका अपना इनर्शिया है, ये उसका अपना नेचर है। और जो छोटे बच्चे होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, ऊपर वाले के बहुत क्लोज होते हैं, कहा जाता है ना छोटे भगवान का स्वरूप है, क्यों? क्योंकि उनका दिल दिमाग साफ है, उनकी जो हरकतें हैं वो एकदम उन्हीं से मैच कर रही हैं जो ऊपर वाला बना के बेचता है। तो ऊपर वाले ने जो सिस्टम सारी बॉडीज को दिया है एकदम वही सारी प्रॉपर्टी छोटे बच्चे को दिया है। जैसे कोई जानवर देखो क्या कर किसी दूसरे छोटे जानवर को मार के खा लेता है, सेम हैपेंस विद द चाइल्ड्स। बच्चे ने देखा वो कॉकरोच पड़ा उठाया, हम भी करते बचपन में ऐसा, एक कॉकरोच हमने भी खाया है, वो कॉकरोच देखा वो पड़ा था शायद डेड बॉडी उसकी रही होगी, और मैंने देखा मैं पता नहीं मुझे उसमें ऐसा क्या दिख गया, और शायद मैं एक दो खा लिया था तीसरा खा रहा था, तो मेरी मदर आई उन्होंने देख के चिल्लाई बड़ी और क्या कर रहा है, मारा दो तीन तमाचा फिर हमको लेके गई। तो कहने का मतलब ये है कि एकदम वही यहाँ पर भी है बेटा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो चाहता है कि वो लगातार मोशन में बना रहे, उसको कोई भी अपोज ना करे। क्लियर? इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा? देखो बच्चे वाला एग्जाम्पल तो सिर्फ आपके दिमाग में फीड करने के लिए, फिजिक्स के टर्म्स में अगर कोई पूछे इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल बताओ तो क्या बताओ? फैन। फैन तो हम लोग के हिसाब से चलता है, ठीक है, पेंडुलम को हम एक बार मान सकते हैं कि वो मोशन में है तो चाहता है वो लगातार मोशन में रहे। इससे भी कोई नेचुरल एग्जाम्पल सोचिए, नेचुरल एग्जाम्पल कोई और, हाँ, रोटेशन या रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन। अर्थ जो है वो सन के अराउंड लगातार रोटेट हो रही है अपने यूनिफॉर्म मोशन में और वो होती रहेगी, ठीक, उसमें कोई भी वो चेंज पसंद नहीं करता क्योंकि ये सिस्टम किसने बनाया है? ऊपर वाले ने। थर्ड वन इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो चाहता है उसी डायरेक्शन में जाते रहे, वो अपना डायरेक्शन भी चेंज करना नहीं चाहता। इसका मतलब अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन को डिस्टर्ब करना चाहते हो या उसकी मूविंग कंडीशन को डिस्टर्ब करना चाहते हो या उसकी डिस्टर्ब करना चाहते हो देन यू रिक्वायर समथिंग, आपको कुछ चाहिए, और वो कुछ क्या है? फोर्स। बात समझ में आई? तो हेडिंग डालिए जल्दी से, इनर्शिया। इनर्शिया उसमें लिखिए द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ the inherent property of all objects that they do not change their state of rest or of uniform motion until and unless acted upon by an external force comma is called inertia। मतलब inertia क्या है? inertia is the inherent property, inherent मतलब जो उसको मिलती जा रही है, ठीक, so that inherent property which opposes all types of motion, ठीक, सारे motion को भी वो अपोज कर रहा है और उसकी रेस्ट पोजीशन में डिस्टरबेंस को भी अपोज कर रहा है, वही कहलाता है इनर्शिया। सो देयर आर थ्री टाइप्स, इस हिसाब से बना करके अपने लिए। इसमें देखो इन्होंने कई सारे बेटे एग्जांपल्स दिए। सबसे पहला यह होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखो इसमें एग्जांपल में कह रहे हैं व्हेन अ बस और ट्रेन सडनली स्टार्ट्स अ पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड इट लीन्स बैकवर्ड। कोई भी ट्रेन जब अचानक से स्टार्ट होती है तो उसके अंदर के जितने भी पैसेंजर्स जो खड़े थे वो अचानक से कुछ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी चाहती थी कि हम अगर रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे ही रहें, लेकिन वो ट्रेन जब मूव करने लगी तो हम भी मूव करने लगे।
बात समझ में आया? तो बॉडी उस मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। तो ये किस टाइप का इनर्शिया हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा देखो एग्जांपल है, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट पार्टिकल्स आर क्लियर्ड। कोई भी जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो पैर के लिए रखा जाता है बाहर, हाँ पावदान, अगर आप उस पर कोई डंडा लेकर के उसको पीटेंगे तो उससे जो डस्ट होगा वो बाहर आएगा ना। सेम रीजन कि आपने जब उस पर स्ट्राइक किया वो रहना चाहता है रेस्ट पे, लेकिन आप स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी वजह से वो उसको बाहर फेंकता है तो बाहर निकल आया। अगला आपसे कह रहे हैं, व्हेन अ कार्ड कैरिंग अ कॉइन एंड प्लेस्ड ऑन अ बॉटल इज फ्लिप्ड अवे क्विकली विद अ फिंगर द कॉइन फॉल्स इन द बॉटल। मतलब ये छोटे छोटे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे इसमें लाइन से, तो ये आपकी डेली लाइफ के कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो आप रोज करते हैं, लेकिन शायद आपने कभी उसको इस तरीके से नहीं सोचा होगा। तो आपकी किताब में हर एक इनर्शिया के ऊपर दो दो चार चार एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। उसको एक बार जरा आप करिएगा और जो भी पॉइंट आपको कम समझ में आया या ना समझ में, उसको ले आइएगा, मैं बताऊंगा कि आखिर वो उस पर्टिकुलर इनर्शिया में क्यों कह रहे हैं। देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, कह रहे मड फ्लाइंग टेंजेंशियली टू द टायर ऑफ अ कार। जैसे हम लोग जब कार चलाते हैं तो जो मड होता है वो कार की जो टायर है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही पीछे की तरफ आता है। साइकिल में भी ये बात आपने फील किया होगा कि जब कीचड़ जो होगा वो कार जो टायर है उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही आगे या पीछे की तरफ मूव करेगा। तो वो सब क्या है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के लॉज के बारे में बात करते हैं। ये सब तो फंडामेंटल था इसका। न्यूटन का सबसे पहला लॉ क्या कहता है, हेडिंग डालिए न्यूटन्स लॉज। तो सबसे पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसकी बात वैसे हम लोग कर ही चुके हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब यही होता है कि इफ एनी बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इट विल रिटेन इट्स कंडीशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। क्लियर है स्टेटमेंट? तो आई थिंक आप सबको रटा ही होगा ये वाला, या इसको लिखा दें? हाँ सेम है, ठीक। अब एक चीज बताओ, मैंने एक वर्ड का नाम लिया एक्सटर्नल फोर्स, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ होता है तो इंटरनल भी कुछ होता होगा। इंटरनल फोर्स क्या है? जो बॉडी अपने ऊपर लगा रही है। बॉडी अपने ऊपर कौन सा फोर्स लगाती है? अब जैसे देखो सब लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। अभी उस बच्चे ने बोला सर जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा होता है। पहली बात तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है? चलो अभी फ्रिक्शन के बारे में आपको अगले चैप्टर में सिखाऊंगा। फ्रिक्शन एक बहुत अलग सा चैप्टर है, बहुत फंडामेंटल चैप्टर है, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। फ्रिक्शन कब लगता है, कब नहीं लगता है, और अगर लगता है तो किस डायरेक्शन में लगता है। जैसे अभी तक शायद आप लोग ये सोचते होंगे कि फ्रिक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है। तो इन सब की बात हम लोग करेंगे फिलहाल आगे। हम लोग बात कर रहे थे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की। तो फोर्सेस के बारे में बताओ तुम्हारे एक्सटर्नल है और इंटरनल है। जो हम लोग लगा रहे हैं करेक्ट है इंटरनल। क्या बेटा? जो ऑब्जेक्ट अपने आप अपने ऊपर लगा रहा हो। लेकिन ऑब्जेक्ट अपने ऊपर क्यों लगाएगा फोर्स? ना ग्रेविटी तो अर्थ लगा रही है ना ऑब्जेक्ट पे। भाई ग्रेविटी कौन लगाता है? अर्थ लगाता है ना ऑब्जेक्ट पर। तो इंटरनल फोर्स बताओ भाई, तुम बताओ इंटरनल क्या होता है? अंदर का मामला। क्या अंदर का मामला? कौन सा फोर्स अंदर का? इंटरनल फोर्सेस आर दोज विच आर ऑलवेज इनसाइड द बॉडी एंड दीज फोर्सेस नेवर क्रिएट मोशन फॉर द बॉडी।
मतलब वो फोर्सेस जो बॉडी के अपने अंदर हैं, जिनको आप जैसे बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, पता है ना ये बात, बॉडी के अंदर, बॉडी जो है वो एटम से बना है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, उनके बीच में आपसी कुछ अट्रैक्शन है, कुछ रिपल्शन है, ये सब पता होगा, सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस भी होते हैं, वो सब जो फोर्सेस हैं वो सब बॉडी के अंदर की बात है। जैसे ये पेन है, इस पेन के अंदर बोलो करोड़ों अरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, उन सबके बीच में फोर्स भी होगा, सब कुछ है कि नहीं है। इस पेन को जैसे ही मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ, देखो इस पेन में से कुछ निकल के ग्रीन कलर का व्हाइट बोर्ड पे चला गया, गया ना, तो इन सब के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा, कुछ ना कुछ सब सिस्टम इसके अंदर का है। लेकिन क्या वो फोर्स बाहर से तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? क्या इसको हम ऐसे रख देंगे तो उन फोर्सेस की वजह से ये पेन अपने आप हिल सकता है? नहीं। तो इंटरनल फोर्सेस क्या है? वो बॉडी की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो बॉडी के अंदर की बात है। एग्जैक्टली लाइक जैसे हम लोग के अंदर का टेंशन, हमारे अंदर अलग टेंशन है कि यार अभी बच्चे सब आए नहीं है या कुछ एबसेंट है, पढ़ाते समय भी हम वही चीज सोच रहे हैं, या हम ये सोच रहे हैं कि यार मैं चार बार पढ़ा दिया लेकिन गधों को कुछ नहीं आया, ये भी हम सोच सकते हैं। वो मेरे अपने अंदर की बात है ये बात, लेकिन बाहर से दिखाई, पढ़ाते समय तुम्हें नहीं पता चलेगा कि शैलेंद्र सर कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है हम भाई वाले सर के बारे में सोच रहे हो, हो सकता है हम अपनी कार के इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगी। सेम इज विद यू, बैठे तुम भले आओ, हो सकता है तुम वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हो, यार इंडिया बताओ कल फर्जी का मैच हार गई, हो सकता है आप बैठे यहाँ सोच रहे हो सर कब जाएंगे, जाए निकले यहाँ से तो बवाल खत्म हो, क्लास ओवर हो, घर भागे हम। हर बच्चे की अपनी अलग टेंशन है जो उसके चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ती। सेम इज विद योर चेयर, जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो भी घनघोर टेंशन में है, और हम बैठ जाए तो कहो रो ही दे चेयर। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो बॉडीज हैं, ये जो फैन के ऊपर लगा हुआ जो रॉड है, वो रॉड भी तो बेटा टेंशन है, अच्छा खासा रॉड था तुम ले आए, बांधा, फैन लटकाया, ऊपर चलाते भी हो रोज, तो वो रॉड भी तो टेंशन में होगा। वो टेंशन उसका इंटरनल फोर्स है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बाहर से उस दिन दिख जाएगा जिस दिन ये रॉड इस पंखे का वेट संभाल और वो पंखा नीचे गिर जाएगा, तब पता चलेगा यार वो रॉड बहुत टेंशन में थी। बात समझ में आ रहा है? कुर्सी कोई जो प्रॉपर चल रही है, जब तक चल रही है बढ़िया है, तब तक उसका टेंशन समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन कुर्सी टूट गई उस दिन समझ में आ जाएगा यार वो वाला उसका पैर वीक हो रहा था, जिसको हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। समझ रहे हैं? तो इंटरनल फोर्सेस क्या है? दे आर द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी क्वेश्चन में अब आपसे अगर रॉड की बात किया जाए, रॉड, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उस रॉड में कुछ ना कुछ टेंशन होगा। जैसे आपसे कहा जाए ये रॉड है, इस रॉड में एक पार्टिकल बांध दिया और इसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, चाहे हम ऑसिलेशन कराएं बल पेंडुलम की तरह, चाहे हम सर्कुलर मोशन कराएं, लेकिन उस रॉड में तो टेंशन होगा ना यार, रॉड की जगह रस्सी तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि वहां पर टेंशन होगा। और टेंशन इंटरनल फोर्स, तो टेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, MLT-2। कुछ बात समझ में आई बेटा? तो फोर्सेस दो टाइप के हो गए, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को आप सब लोग जानते हैं, जो भी फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं, चाहे वो ग्रेविटेशन का फोर्स हो, चाहे हम उस पर कुछ पुश कर रहे हो, चाहे हम उसको पुल कर रहे हो, कोई भी फोर्स जो बाहर से लगेगा वो सब एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन जो बॉडी के अपने अंदर की बात है वो उसका इंटरनल फोर्स है। क्लियर? फिलहाल न्यूटन का फर्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या ये क्लियर है? दूसरा लॉ कौन सा है? एवरीबॉडी ना, न्यूटन का हाँ सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ मोमेंटम, इसको लिखिए जरा, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लॉ ऑफ मोमेंटम। देखो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बेसिकली बेटा ये है, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे अभी तक इन्होंने बोला कि सर सेकेंड लॉ होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, गलत है। एफ इज इक्वल टू एम ए इज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाई दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो है एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन कोई पूछे न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, तो हम ये बोलेंगे दैट इज द लॉ ऑफ मूवमेंट। इट मीन्स द एक्सटर्नल फोर्स, व्हेनेवर वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी दैट एक्सटर्नल फोर्स विल क्रिएट सम मोशन। तो उन्होंने कहा कि भाई जो एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले मोमेंटम क्या है। मोमेंटम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बताओ मोमेंटम क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब ही यही था कि मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी तभी तो मूविंग ऑब्जेक्ट। तो आपने कहा सर m into v दैट इज मोमेंटम। अब अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो क्या वो m v चेंज होगा, सोचो। अगर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, आएगा ना। तो और अगर मूव में आएगा कि वेलोसिटी भी चेंज होगी, लेकिन मास ये तो पता आपको मास इज कांस्टेंट। तो आप देखिएगा दो चीजों से मिलके बना है, पहला मास दूसरा वेलोसिटी। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो मास भले ना चेंज हो लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, करेक्ट है। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या मोमेंटम चेंज हो गया, बोलो यार। मोमेंटम चेंज हो गया तो वही हमारा लॉ है। लॉ क्या कहता है, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इंटरवल। क्लियर, तो लिखिए इसमें न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, उसमें एडिंग डालिए लॉ ऑफ मोमेंटम। उसमें लिखिए द एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जब भी बेटा रेट ऑफ चेंज लिख दिया जाता है उसका मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम। क्लियर, तो ये बन गया F प्रोपोर्शनल टू दिस। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट हम ले आए K, और प्रैक्टिकली उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब इसके बारे में भी देखो जरा, ये जो P है मोमेंटम, क्या उसको M इंटू V वेक्टर लिखा जा सकता है, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। लेकिन क्या वो चेंज मास में होगा, नहीं, तो मास को हम बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बन जाएगा, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, समझ में आया। तो ये जो मेन था ये लॉ था, इस लॉ को सिंप्लीफाई करने से जो हमको रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट है F इज इक्वल टू एम ए। समझ में आया, क्लियर। सो F इज इक्वल टू एम ए इज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये एचसी वर्मा सर की किताब का क्वेश्चन है, ये उस किताब में लिखा था न्यूटन्स सेकंड लॉ इज, एक ऑप्शन है F प्रोपोर्शनल टू dp by dt, दूसरा ऑप्शन है is equal to k times dp by dt, तीसरा ऑप्शन है F is equal to ma, चौथा ऑप्शन है none of these। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, F प्रोपोर्शनल टू dp by dt। इनफैक्ट F equal to dp by dt भी नहीं है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, समझा।
लॉ यही है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले, ठीक है? फिर आता है न्यूटन का थर्ड लॉ, वो आई थिंक आप सबको पता होगा, दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ। तो उसमें लिख लीजिए न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन लॉ को न्यूटन साहब तो बहुत बाद में आए थे, उनसे बहुत पहले इस बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। क्या कहा था? नहीं थे तब, सुना नहीं? कर्म को मतलब कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, मतलब कर्म किया है तो फल जरूर मिलेगा। इट मींस इफ यू हैव डन सम एक्शन, देयर विल बी ऑलवेज सम रिएक्शन। एक्शन किया है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगा। यही बात उन्होंने बोला था अपनी स्टाइल में, बात समझ में आ रहा है? सो दैट इज द एक्शन रिएक्शन लॉ। अब यही एक्शन रिएक्शन लॉ रिस्पॉन्सिबल है हमारे चलने के लिए। जब हम लोग आगे चलते हैं उसके बारे में भी जरा कभी स्लो मोशन में सोचिएगा कि आप किस स्टाइल में चलते हैं, आपके चलने का तरीका क्या है, आपका ये पैर क्या करता है जब आप चलते हो, उस समय ये मोशन होता है। मेरा जूता ही नहीं दिख रहा होगा आप। हम लोग अपने आगे वाले पार्ट से जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं। जब हम जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो वो हमको आगे की तरफ पुश करती है, इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कहाँ से आ रहा है आपका? एक्शन रिएक्शन से। एक्शन रिएक्शन का भी तुम्हारी किताब में देखो एग्जांपल यही है, वॉकिंग ऑन ग्राउंड। हमेशा ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग दौड़ते हैं, जो लोग रनिंग करते हैं, उसमें जरा देखिएगा, मतलब जो लोग मतलब प्रोफेशनली जिनका काम है दौड़ना या ओलंपिक्स में और इस टाइप के उसमें जाते हों, तो उनका स्टाइल ही यही होता है कि वो हमेशा पैर को पीछे की तरफ पुश करेंगे। जितना ज़्यादा पैर आप पीछे की तरफ पुश करोगे, आपका जो स्पीड है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मतलब ये बेसिकली जब हम पीछे की तरफ पुश करेंगे तो हमको एक फोर्स किधर मिलेगा? आगे की तरफ। फोर्स आगे की तरफ मिलने का मतलब क्या हुआ कि हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा आगे की तरफ। बोलो यार। और अगर एक्सेलरेशन आगे की तरफ मिल गया तो हमारी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, वो तेजी से भागता चला जाता है। तो हर चीज के पीछे फिजिक्स है, इस टाइप की जितनी चीजें हैं, बस उसको एनालाइज करने की जरूरत है। दूसरा बोला वॉकिंग ऑन अ सैंड और आइस। बर्फ पे खड़े होना, बर्फ पे चलना कठिन होता है, रीजन वही है। वहां पर भी एक्शन रिएक्शन का, जितना कम एक्शन लगेगा उतना ही कम रिएक्शन मिलेगा, और वहां पर हम एक्शन ही नहीं लगा पाते। जब रफ रोड होता है तो हम उसको पीछे पुश कर सकते हैं, स्मूथ रोड होगा पीछे पुश करेंगे तो वहीं फैल जाएंगे। जब पुश ही नहीं कर पाए तो रिएक्शन किस बात का आएगा? बात समझ में आ रहा है? थर्ड इन्होंने दिया पुलिंग अ कार्ट बाय हॉर्स। घोड़ा जो घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो उसमें भी जो है एक्शन रिएक्शन का ही गेम है। फोर्थ वन इज स्विमिंग, फिफ्थ है जेट्स और रॉकेट, सिक्स्थ है फायरिंग ऑफ अ गन। गन में भी यही होता है, जब गन को हम फायर करते हैं तो कुछ पीछे की तरफ फोर्स आता है, पता है? उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल। तुम लोग को तो पढ़ाया है, इसका न्यूमेरिकल भी कराया हुआ है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। जो कभी गन चलते हुए देखा है, हल्का फुल्का आदमी अगर गन चला ले, वो जो रिवाल्वर वो आती बड़ी वाली जो राइफल आती है, हल्का फुल्का आदमी अगर चला ले तो खुद ही गिर जाए लेके। इसीलिए उसको देखो, अब तो थोड़े ठीक ठाक तगड़े लोग होते हैं वही चलाते हैं, क्योंकि वो पीछे की तरफ रिकॉइल करता है, झटका लगता है पीछे की तरफ। ऐसे पहले जो बुलेट आती थी, बुलेट में भी ये होता था, जैसे ही आप किक मारिए तो वो पीछे की तरफ झटका देती थी, इसलिए हर आदमी बुलेट स्टार्ट नहीं कर पाता था पहले। अब तो सेल्फ स्टार्ट आ गई है। तो फिलहाल ये सब किस हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स।
इम्पल्स जो होता है बेटा दैट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज नोन एज इम्पल्स. मतलब बॉल आई और हमने उसको बैट से मारा, तो बॉल के आने से और बैट के टकराने से और मेरे मारने से कितना टाइम इंटरवल है इन सब चीज़ों के दौरान, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. ऐसा तो नहीं है कि बॉल आई बैट में आराम से चिपक गई फिर हमने मारा आराम से फिर चली गई. वो बॉल आई तुमने बैट मारा और उस दौरान बहुत कम टाइम का डिफरेंस होता है कि बॉल बैट से टकराए और टकरा के वापस जाए, होता है कि नहीं. वो है वहाँ इम्पल्स है. ऐसा नहीं होगा कि कोई फोर्स हम 10 मिनट लगातार लगाए रहे फिर हम उसको इम्पल्स बोले ना. इम्पल्स हम तभी बोलते हैं व्हेन अ फोर्स इज राइट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. बात समझ में आ रही है? मतलब फोर्स बहुत समय के लिए लगाइए तब प्रोडक्ट ऑफ दैट स्मॉल टाइम इंटरवल इज नोन एज इम्पल्स. ठीक. अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर इम्पल्स की बात किया जाए आपसे सो एफ इंटू डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? लीनियर मोमेंटम में चेंज के. तो सबसे पहली बात तो यही हुई कि इम्पल्स क्या होता है और दूसरी हेडिंग क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है देखो, F इंटू डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा पी के. तो आप कहेंगे द इम्पल्स अप्लाइड ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स मोमेंटम. लिख लीजिए जल्दी से. इम्पल्स में लिखो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स. इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल. एंड स्मॉल टाइम इंटरवल. ठीक. फॉर इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी जिसमें डेल्टा टी बहुत स्मॉल होगा. चलिए फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ा दिया था, पढ़ाना है. ठीक. लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की. ठीक. तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली क्या था कि न्यूटन साहब ने जो भी मोशन का कॉज है उस कॉज के बारे में बात की थी. इसके पहले का जो चैप्टर था काइनेमेटिक्स, उसमें हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा कि मोशन के दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, उन सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए. ठीक. किसी भी टाइप के मोशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. इस वाले चैप्टर में अब हम लोग को ये पढ़ना है कि किसी भी मोशन का कॉज क्या होता है. ठीक. तो न्यूटन ने बेसिकली बेटा तीन लॉज दिए थे जिसमें सबसे पहला लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है. Until and unless any external forces applied. जब तक आप कोई external force नहीं लेंगे तब तक कोई भी body अपने system में change पसंद नहीं करती. ये body का nature है कि वो जो भी करे वो चाहती है हमको वही करने दो, हमको बिल्कुल भी disturb ना करो. ठीक. फिर दूसरा law जो हमने आपको बताया था कि किसी भी system पर जो external force हम लोग लगाते हैं that external force is proportional to चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल. तो आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ यही बताया गया था द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है. प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाएंगे बेटा तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, लेट अस सपोज वो कॉन्स्टेंट है के. और ये जो लीनियर मोमेंटम होता है इसका फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी
अपॉन टाइम इंटरवल। जरा ध्यान से देखिए, ये जो डेल्टा मैंने लिखा है, ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। और अगर m इंटू v लिखा है, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, इन दोनों में से कौन सी चीज चेंज हो सकती है? वेलोसिटी। मास जो है वो चेंज नहीं होता नॉर्मल कंडीशंस में। अभी हम बताएंगे मास कब चेंज होता है, वो भी चीज आपको सिखाते हैं। बट आप लोग यही जानते होंगे कि मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो मास क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बन गया? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो आपने कहा कि सर f एक्सटर्नल इज इक्वल टू k टाइम्स m है, बट प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1। प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा तो इस k की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 1। और अगर हम k की वैल्यू 1 रख देंगे तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा कि भाई एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल है? ma के इक्वल। दिस वॉज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। फिर आता है न्यूटन भाई साहब का थर्ड लॉ, दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ। सबको पता होगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, ये जो थर्ड लॉ है तो बड़ा ईजी है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बेसिस पर, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। और उससे पहले मैंने एक चीज आप लोग को और बताई थी, दैट वॉज इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड टाइम इंटरवल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज नोन एज इम्पल्स। कहने का मतलब जब कोई फोर्स बहुत कम समय के लिए लगता है, तब फोर्स और उस टाइम का जो प्रोडक्ट है वही कहलाता है इम्पल्स। जैसे एक बॉल आई और आपने बैट से उसको स्ट्राइक किया, या हॉकी से आपने उसको स्ट्राइक किया, तो उस कंडीशन में बॉल का आना बैट से टकरा के वापस जाना, इतने सब में कितना टाइम लगता है? बॉल बेटा आई, बैट से टकरा कर वापस गई, तो इन सब के दौरान कितना टाइम लगता है? क्या वो टाइम बहुत ज्यादा होता है? नहीं, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल टाइम। तो वही फोर्स और वो जो स्मॉल टाइम इंटरवल है, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? इम्पल्स। बात समझ में आई? मतलब कोई ऐसा फोर्स जो अचानक से लग जाए, जैसे आप कहीं पे खड़े हैं, अचानक से किसी ने धक्का दिया और धक्का देके वो गायब हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि धक्का दिया किसने, तो उस समय आपके ऊपर क्या क्रिएट होगा? इम्पल्स। क्लियर है? सो दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंटरवल इज नोन एज इम्पल्स। और यहां पर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिए, आप कहेंगे इस स्टेप को अगर मैं फिर से लिख दूं, तो आप कहेंगे सर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। चेक करो, क्योंकि के की वैल्यू कितनी थी? 1। तो अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक। और इसी डेल्टा टी को अगर इधर भेज दिया जाए तो आप कहेंगे सर एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये चीज क्या है बेटा? क्या है ये? दिस इज इम्पल्स। तो आप कहेंगे सर कि ये जो इम्पल्स होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब अगर किसी भी बॉडी पे आपने इम्पल्स लगाया है, इम्पल्स मतलब कोई भी फोर्स अचानक से लगाया है, तो बॉडी के मोमेंटम में जरूर कुछ ना कुछ चेंज होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर यहां पे कोई बच्चा खड़ा हो और मैं अगर उसको धीरे धीरे धक्का दूं लगातार, क्या होगा? हो सकता है अगर मैं धीरे धीरे धक्का दे रहा हूं तो हो सकता है हिल जाए लड़के को और वो खड़े ही रहे, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। लाइक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई छोटा बच्चा ले आओ, हमको ठेलता रहे, हम ही खड़े रहेंगे, बोलो यार कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी की जगह पर कोई खली अगर पीछे खड़ा कर दो, वैसे मारेगा, पता चला साइलेंसर उड़ के गए, उधर दीवार में भिड़ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई फोर्स ज्यादा टाइम के लिए लगाया है, बात यहां बच्चे और खली की नहीं है, बात उस फोर्स के टाइम इंटरवल की है। अगर फोर्स आपने आराम से लगाया है, मतलब ज्यादा टाइम के लिए लगातार आप लगा रहे हो, तो अगर लगातार लगाओगे, पहली बात तो हमें पता चल जाएगा फोर्स लगा कौन रहा है कि नहीं। अगर कोई फोर्स 5 मिनट तक मेरे ऊपर लग रहा है तो हमें पता चल जाएगा ना किसने लगाया, कौन धक्का में दे रहा है, तो हम जान जाएंगे। और ये जो फोर्स होता है इसको हम इम्पल्स में काउंट नहीं करते क्योंकि टाइम इंटरवल इज लार्ज। लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं, अचानक से कोई धक्का दे और गायब हो जाए, तो वो इम्पल्स में काउंट होता है।
और अगर कोई भी अचानक से धक्का देता है तो आपको भी पता है कि आप गिर जाते हैं। उतने ही फोर्स के साथ अगर कोई लगातार धक्का देगा तो आप हो सकता है आगे बढ़ेंगे या हो सकता है झेल जाएंगे। जैसे 100 न्यूटन का फोर्स अगर मैं आपके ऊपर अचानक से लगा दूं तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, गिर जाएंगे या लड़खड़ाएंगे। लेकिन वही 100 न्यूटन का फोर्स अगर मैं आराम से लगाऊंगा आपके ऊपर धीरे 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 100 न्यूटन तक, तो क्या होगा, आप आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये बात कभी फील किया है कि नहीं आपने? तो कहने का मतलब क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात हम लोग कर रहे थे। दैट मीन्स सिंपली कि जो इम्पल्स हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। बात समझ में आया? बॉडी पे अगर आप इम्पल्स लगाएंगे तो बॉडी के लीनियर मोमेंटम में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। ठीक, लिख लीजिए इसमें, द इम्पल्स, लिखिए द इम्पल्स अप्लाइड ऑन, द इम्पल्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, द इम्पल्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू, द इम्पल्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम, चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो हम लोग बेटा मोशन जान चुके, मोशन के कॉज के बारे में जान लो। मोशन का कॉज क्या है, किसी भी मोशन का कॉज क्या है, फोर्स। क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो बोलो इंपल्स आएगा, अगर इंपल्स आएगा तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा। मोमेंटम में चेंज होने का मतलब ही क्या हुआ कि बॉडी मोशन में है, तभी तो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम का मतलब ही है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी तभी बॉडी मोशन में होगी और तभी उसके पास इंपल्स होगा। बात समझ में आया? तो हम लोग इसका मतलब फोर्स पर आ चुके हैं। अब हम लोग ये भी जानना चाहते हैं यार कि अगर कोई बॉडी मान लो रखी, जैसे ये मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको पता है कि मोबाइल रख देंगे तो ऐसे पड़ा रहेगा, इस मोबाइल में किसी भी टाइप का कोई भी मोशन नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो क्यों नहीं हो रहा? इसी पेन को अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो पेन किधर जाएगा, नीचे। इसी पेन को यहाँ पे रख दिया, ये कहीं नहीं गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? ठीक, तो अगर कोई बॉडी जैसे ये पेन यहाँ रखा है और ये लगातार रखा ही हुआ है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हेडिंग डाल लीजिए इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि जो बॉडी है वो अपनी जगह पर रखी हुई है, बॉडी के स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इक्विलिब्रियम को 95% बच्चा यही समझता है कि अगर ये बैग रखा हुआ है और बैग मूव नहीं कर रहा तो तुरंत बोलता है कि सर ये बैग किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन यही बात नहीं है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी के स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। वो स्टेट रेस्ट की भी हो सकती है और वो स्टेट यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती है, जैसा न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है और उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे, वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन में बना हुआ है, तब भी हम क्या बोलेंगे कि बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम भी जो है वो कितने टाइप का हो गया, दो। सबसे पहला इक्विलिब्रियम कहलाता है बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा इक्विलिब्रियम कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में है, दैट इज एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट। और डायनेमिक कहने का मतलब इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है, मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है।
यूनिफॉर्म का मतलब, समझ रहे हैं ना, याद है, यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब उस पर फोर्स कितना है, जीरो। भाई एक्सेलरेशन जीरो तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ए जीरो इसका मतलब एफ बी जीरो। तो कहने का मतलब यार, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर समेशन ऑफ द फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो, दैट मींस सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। और सेम यहां भी है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। अब जरा सोचो, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट। अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट जीरो है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो वो किस में आ जाएगा, और अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किस में आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली फोर्स कितना है दोनों कंडीशंस में, जीरो। कुछ बात समझ में आई। तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब यही है कि उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। अब मैं एक चीज की बात आपसे और करूंगा इसी में। किसी भी बॉडी को हम लोग बेसिकली अभी फिलहाल दो टाइप के मोशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला मोशन हम उसको लीनियर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज मोशन इन 2D बोलो या मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलो, जिसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक, किसी भी बॉडी को बेटा लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है फोर्स। कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स। लेकिन अगर हमें बॉडी को घुमाना है, जैसे फैन है, फैन के बारे में सोचो, फैन अपनी ही जगह पर रह करके रोटेट करता रहता है, तो इसके बारे में क्या बोलोगे, ये इक्विलिब्रियम में है या ये मोशन में है। दिस इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम। ये जो फैन है ये किस इक्विलिब्रियम में है, लीनियर इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो क्या ये रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम में है। कुछ बात समझ में आ रही है। आप ये कहेंगे सर फैन ऐसे ऐसे इधर उधर तो नहीं जाता, ना ऐसे जा रहा है, ना ऐसे ऐसे जा रहा है, ना इधर उधर जा रहा है, फैन अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी ही जगह पर रोटेट कर रहा है। वॉच में भी यही होता है, ये वॉच की जो सुइयां हैं, जो कांटे हैं इसके, वो अपनी ही जगह पर फिक्स हैं, उसी जगह पर रह करके गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन अपनी जगह को चेंज करते हैं। ऐसा नहीं होता इस घड़ी से निकल के उस घड़ी में चले जाएं। बात समझ में आ रही है। तो आप बोलेंगे सर लीनियर इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल में नहीं है। अब बात यह है कि यार मोशन भी दो टाइप का हो गया, एक लीनियर मोशन और एक रोटेशनल मोशन हुआ ना। लीनियर मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स, तो रोटेशनल भी कोई ना कोई प्रोवाइड करता होगा। तो रोटेशनल मोशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन, मेनली अगर रोटेशनल मोशन की हम लोग बात करेंगे देन इट इज प्रोवाइडेड बाई टॉर्क। ये नाम कभी सुना है आप लोगों ने, या इसी का एक नाम और है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स, इनर्शिया कहां सुन लिया आप लोगों ने, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आगे आएगा। जब रोटेशनल मोशन बेटे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टर्म होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, लेकिन वो रोटेशनल मोशन में स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी तो मैं बहुत बेसिक बहुत फंडामेंटल बता रहा हूं। किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए, या बोला जाए इस फैन को चलाने के लिए, हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब बात यह है कि सर मूवमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। तो देखो यार, जिस भी बॉडी के पास टेंडेंसी ऑफ रोटेशन होता है, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन होता है, उसी के पास हम लोग बोलेंगे कि टॉर्क है। एनी बॉडी विच इज हैविंग टेंडेंसी ऑफ रोटेशन इज हैविंग प्रॉपर्टी नोन एज टॉर्क। टेंडेंसी का मतलब समझते हैं क्या, ठीक है, टेंडेंसी का मतलब जिसका मन है रोटेट होने का। जैसे अगर हम लोग फैन की बात करें तो ये वाला फैन, इनफैक्ट दोनों ही फैन अभी बंद है, ठीक, तो आप बोलेंगे सर इसके पास रोटेट होने की टेंडेंसी तो है लेकिन अभी इसका टॉर्क कितना है, जीरो। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे बोलो कुछ ना कुछ टॉर्क आ जाएगा और ये तुरंत रोटेट करना स्टार्ट कर देगा।
सही है। लेकिन अगर इस टेबल की बात किया जाए, इस पोडियम की हम बात करें आपसे, तो क्या इसके पास रोटेट होने की टेंडेंसी है? क्या ये अपने आप घूमेगा किसी भी तरीके से? नहीं। जबरदस्ती घुमाओगे तो अलग बात है, लेकिन इसके पास टेंडेंसी नहीं है रोटेट होने की, ना इसके पास कोई रोटेट प्रॉपर्टी है। तो इसके पास टॉर्क है ही नहीं, इसके लिए टॉर्क डिफाइंड है ही नहीं। तो टॉर्क हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन करते हैं? एनी बॉडी विच इज हैविंग टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, दैट इज सेट टू हैविंग टॉर्क। कुछ बात समझ में आया? क्लियर। अब बात आई सर टॉर्क क्या है, इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में बताओ भाई। तो ये देखो, ये कोई एक बॉडी है रैंडम सी, इस बॉडी पे हमने इस जगह पर एक कील डालकर इसको दीवार में ठोक दिया, ठीक। अगर आपने इसको दीवार में ऐसे फिक्स कर दिया है और आप इस तरीके का कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ठीक है। इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना माना है? आर। और इस बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया। वैसे तो कोई भी फोर्स किस टाइप का मोशन प्रोवाइड करता है, ये बताया मैंने, कोई भी फोर्स किस टाइप का मोशन प्रोवाइड करता है भाई? लीनियर मोशन। कोई भी फोर्स कैसा मोशन देता है? लीनियर मोशन। तो ये फोर्स तो यही चाहेगा ना यार कि ये पूरी की पूरी बॉडी किधर चली जाए? नीचे। लेकिन तुमने यहां पर कील डालकर इसको दीवार में ठोक दिया है, तो क्या ये नीचे जा पाएगी? बताओ भाई, क्या ये नीचे जा पाएगी? नहीं। तो आप कहेंगे सर नीचे तो नहीं जा पाएगी, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि ये बॉडी ऐसे ऐसे घूमेगी। बोलो, ऐसे ऐसे घूम सकती है बॉडी? क्योंकि आपने इसको इस जगह पे फिक्स कर रखा है। अब देखो, इस जगह पे अगर मैं पेन को फिक्स कर दूं और नीचे की तरफ फोर्स लगाऊं, तो देखो ये कैसे घूम रहा है। बोलो यार, क्लॉकवाइज कुछ घूमता हुआ दिख रहा है आपको? ये पूरा घूमेगा या नहीं घूमेगा, ये बॉडी पूरी घूमेगी या नहीं घूमेगी, हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि दिस बॉडी इज हैविंग टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। अगर टेंडेंसी ऑफ रोटेशन है तो इसके पास टॉर्क होगा, और वो टॉर्क टाऊ से रिप्रेजेंट किया जाता है। टॉर्क का सिंबल क्या है? टाऊ, ठीक। दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी किसके किसके बीच की? ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ रोटेशन। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ रोटेशन। और ये क्या है, अगर इसी फोर्स को हम थोड़ा सा पीछे और आगे बढ़ा दें, तो ये जो लाइन है ये कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स जिस लाइन पर लग रहा है वही लाइन क्या कहलाती है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो कोई बोलेगा टॉर्क क्या है, तो क्या बताओगे? टॉर्क इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच इज हैविंग टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बना के लिख लेंगे? नहीं, ठीक है, डायग्राम बनाइए जल्दी से। लिख लिया बेटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोगों ने ये चीज देखा कि भाई अगर बॉडी को रोटेट कराना है तो उसके पास टॉर्क होना चाहिए। कोई भी बॉडी कितने तरीके से रोटेट कर सकती है बेटा? दो, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर कोई भी बॉडी इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रही है या इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो उसी के बेसिस पे टॉर्क भी कितने टाइप का हो गया, दो, क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लोग हमेशा कैसा मानेंगे, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग हमेशा कैसा मानेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये मान लो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और उसके ऊपर ये कोई ऐसा फोर्स लग गया, तो ये फोर्स बॉडी को कैसे रोटेट कराएगा बेटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो भाई, एंटी क्लॉक, कितने लोग एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, कितने लोग क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज सही है। और इसको बेटे पहचानने का तरीका देखो क्या है, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है उस पर एक उंगली आप रख दीजिए, उसको फिक्स कर दीजिए, क्योंकि वो तो फिक्स हो गया ना, वहां तो कील डालकर हमने दीवार में ठोक दिया है, अब वो तो हिलने वाला नहीं अपनी जगह से, तो ये तो फिक्स हो गया, और दूसरा जैसा भी फोर्स है बस वैसे ही घुमा दो, बात समझ में आ रहा है, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में आप घुमा दीजिए, और ये जब आप ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये फोर्स क्लॉकवाइज घुमाएगा और टॉर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे सर उसके लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो ये है, चेक करो ध्यान से, यही है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे टॉर्क की वैल्यू हो गई एफ इंटू आर, क्लियर। वही सीन अगर यहां पे देखा जाए, ये पॉइंट हो और फोर्स ऐसा हो तो ये कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से यही है 90 डिग्री पे, बस आपको बनाना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतने में मैं बस आपको यही सिखा रहा हूं कि आप 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो अगला केस, ये पॉइंट है मान लो और ये फोर्स है, कैसा है ये, क्लॉकवाइज, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कितना है, कुछ ऐसा, समझ में आ रहा है ना, ये पॉइंट है और ऐसा फोर्स है तो एंटी क्लॉकवाइज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो इस बार कैसी है, कुछ ऐसे, अगर ये पॉइंट हो और ऐसा फोर्स हो कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस बार, कैसे बनाएंगे ये, इसको आप पीछे बढ़ाएंगे, देन यू विल मेक परपेंडिकुलर। कुल मिला के इतने सब में, इतने एग्जांपल्स में मैं एक ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ध्यान से बनाइएगा। अभी तो देखो बहुत आसान लग रहा होगा कि सर इसको क्यों बार बार बता रहे हैं, तो बड़ी आसान सी चीज़ है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो आप ही लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से आया, और उसमें कॉन्सेप्ट यही यूज़ होगा बस कि कहीं पर पॉइंट यहाँ होगा, फोर्स ऐसा होगा, तो मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा, बात समझ में आ रहा है। तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है और फोर्स लेना है, दोनों मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल हैव टॉर्क। कोई डाउट इसमें, तो बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है तो उसके पास क्या होगा, क्या होगा, टॉर्क होगा, बात समझ में आया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज और, अगर मैं उस टॉर्क को भी जीरो कर दूं, ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर मैंने फोर्स को जीरो कर दिया तो फोर्स के जीरो होने से बोलो लीनियर मोशन खत्म हो गया, क्योंकि लीनियर मोशन कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स, और रोटेशनल मोशन कौन प्रोवाइड करता है, टॉर्क। तो अगला स्टेप यहां पर क्या होना चाहिए, अगर आप बॉडी को प्योरली रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो रेस्ट का मतलब तो ये है ना कि जिस तरीके से अभी फैन है, ना वो लीनियर मोशन में है ना वो रोटेशनल मोशन में है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन ये हुई कि समेशन ऑफ या सिग्मा ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू जीरो। यहां पर भी समेशन ऑफ ऑल टॉर्क शुड बी जीरो। तो किसी भी बॉडी को अगर आप इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं तो कंडीशंस यही हैं कि आप उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को जीरो करिए और जितने भी टॉर्क लग रहे हों उन सबका सम भी जीरो के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर। थोड़ा इसको लिख लो, ये दोनों चीज लिख लीजिए। सो दीज आर नोन एज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई पूछे व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप क्या बोलेंगे,
sum of all the forces acting on the body should be zero, as well as sum of all the torque or movement of force acting on the body should be also zero. इतने में कोई doubt, कोई confusion हो तो पूछ लीजिए भाई. Clear एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. इसी चीज पर मैं थोड़ा सा discussion और करूंगा. देखो ध्यान से भाई. जैसे अगर इस बॉडी को ध्यान से देखा जाए, इस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसको हमने फिक्स कर रखा है, ये पॉइंट अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है. और एक फोर्स हमने यहाँ पे लगाया था F फोर्स, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बोला था? R. तो आपने बोला कि सर जो टॉर्क है दैट इज F इनटू R. अगर इस F फोर्स को वहां से गायब कर दें जहां वो है, और इस F फोर्स को मैं यहां पहुंचा दूं और नाम लिख दूं F1 और डिस्टेंस कर दूं R1, ये गायब कर दिया मैंने यहां से, अब बेटा टॉर्क कितना होगा? F1 into R1. That is again clockwise. Clockwise होने का मतलब that is positive torque. Very good. ठीक. अब देखिए अगर मैं इसी force को यहाँ से फिर से गायब कर दूँ और यहाँ पहुँचा दूँ, नाम लिख दूँ F2 और distance हो गया R2. अब बोलो torque कितना है? F2 into R2. Again clockwise. इसी फोर्स को यहां से गायब करके सीधे इस पॉइंट पर ले आए, नाम लिख दें F3, अब टॉर्क कितना होगा? जीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पॉइंट ऑफ रोटेशन देन देयर विल बी नो टॉर्क ड्यू टू दैट फोर्स. कुछ समझ में आया? अगर फोर्स उसी पॉइंट ऑफ रोटेशन पे लगा दोगे तब उसकी वजह से कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा. तो इसका मतलब यही हुआ सिंपली मैथमेटिकली, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आर की वैल्यू जीरो है इसलिए टॉर्क भी जीरो है. लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो इसका मतलब बहुत बड़ा है. आपसे भी ये कहा गया था अगर किसी बॉडी के पास जरा सी भी रोटेट होने की टेंडेंसी है तभी उसके पास टॉर्क होगा, अगर टेंडेंसी नहीं है तो टॉर्क नहीं होगा. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, है कि नहीं? अब जरा देखो इस पॉइंट की सिचुएशन ये है कि ये पॉइंट है और इसी पॉइंट पर ये फोर्स लगा है, बोलो यही तो सिचुएशन है. और जो पॉइंट अपनी जगह पर फिक्स है अगर तुम उसी पे फोर्स लगाओगे तो क्या वो रोटेट होने देगा? वो तो अपनी जगह पे फिक्स है. वजह से कोई एक कील आप यहाँ पे गाड़ दीजिए और उस कील पर नीचे की तरफ फोर्स लगाइए तो क्या ये कील ऐसे ऐसे घूमने लगेगी? ऐसा होगा कभी? नहीं होगा. इसका मतलब इसके पास टॉर्क का कोई टेंडेंसी ही नहीं है. तो टॉर्क जरूरी नहीं है कि सिर्फ तुमने बॉडी पे फोर्स लगा दिया तो टॉर्क आ जाएगा, गलत है. टॉर्क के लिए हमको दो चीजें चाहिए, पहला फोर्स और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दोनों होएगा तभी वहां पे टॉर्क जनरेट होगा, तभी बॉडी रोटेट करेगी, अदरवाइज बॉडी रोटेट नहीं करेगी. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए. इनफैक्ट लिखिए, इफ द फोर्स इज अप्लाइड, इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन, if the force is applied on the point of rotation, if the force is applied on the point of rotation comma, there will be no torque due to this force. अब देखिएगा ध्यान से, जैसे ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है और यही फोर्स है तो आपको सीधे सीधे पता है कि इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, ये वाला फोर्स होगा तो भी नहीं होगा, ये होगा तो भी नहीं होगा. इनफैक्ट इस पॉइंट से जितने भी फोर्सेस होकर के जाएंगे उनकी वजह से टॉर्क नहीं होगा. क्लियर एकदम? कोई फोर्स अगर ऐसा है तो इसकी वजह से भी टॉर्क नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये फोर्स भी बोलो इसी पॉइंट से होते हुए जा रहा है. समझ में आ रहा है? कोई फोर्स ऐसा है तो उसकी वजह से भी टॉर्क. तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट एक ही है कि अगर वो फोर्स उस पॉइंट ऑफ रोटेशन पे लगा है या वहां से जा रहा है तो उसकी वजह से टॉर्क
कितना होगा? जीरो। एनी डाउट इन दिस? क्लियर एकदम? ठीक। अब एक चीज और देखो यार, टॉर्क के केस में हो सकता है जैसे ये बॉडी है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, हो सकता है एक फोर्स मैंने ऐसा लगाया हो F1, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई R1। हो सकता है एक फोर्स हम लोगों ने ऐसा लगाया हो, इसका नाम है F2, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो यहां से यहां तक होगी ये पूरी, ये मान लो हो गई R2। हो सकता है एक फोर्स हमने और लगा दिया हो भाई F3, इसके लिए बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरी होगी यहां तक, दैट इज R3। पहला वाला जो फोर्स है F1, वो बॉडी को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज। F2 वाला कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? और F3 वाला फिर से क्लॉकवाइज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नेट टॉर्क कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? F1 R1 माइनस F2 R2 प्लस। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो टॉर्क क्लॉकवाइज थे उनको मैंने कैसा लिया, और जो निगेटिव थे मतलब एंटी क्लॉकवाइज थे उनको negative. कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक। तो इस तरीके से बेटा हम लोग नेट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। अब इसी से एकदम इसको लिख लीजिए, खैर लिख लीजिए फिर आगे होता है। इस पूरे चैप्टर में बेटा थ्योरी नहीं है, अब इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं इस पूरे चैप्टर में। मतलब इसमें तुमसे ये सब नहीं पूछा जाएगा टॉर्क क्या होता है, डेफिनेशन बताओ और ये सब लिखो, कहाँ टॉर्क जीरो होगा, ये सब पूछा कभी नहीं जाएगा तुमसे। लेकिन हर न्यूमेरिकल में तुम्हें इसका यूज कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी से एकदम मिलता जुलता एक टर्म और है जिसका नाम है कपल। ठीक। एक टर्म है तुम्हारा टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसका काम है किसी भी बॉडी को रोटेशन मोशन या रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करना, रोटेट कराना। ठीक। वैल्यू थी उसकी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी टाइप का मिलता जुलता टर्म है कपल, जिसमें ये कोई जैसे बॉडी है, इस पॉइंट पर हमने कील डालकर इसको ठोक दिया तो ये फिक्स हो गया, दैट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक। और आपने इस बॉडी पर एक फोर्स इधर लगाया है एफ फोर्स, और एक फोर्स इधर लगाया है एफ फोर्स। ठीक। दैट मीन्स बॉडी पर जो फोर्सेस लगे हुए हैं वो कितने हैं? दो। एंड बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर। ऐसी कंडीशन में जो बॉडी है दैट विल अगेन रोटेट, और चेक करो कैसे रोटेट करेगी। जो ये वाला एफ फोर्स है ये बॉडी को कैसे रोटेट करा रहा है? एंटी क्लॉक वाइज। ये वाला कैसे करा रहा है? ये भी एंटी क्लॉक वाइज। दिख रहा है ना सबको कि डाउट है इसमें? नहीं है? आ गया तो भाई देखो ये फिक्स है, ये भी एंटी क्लॉक वाइज घुमाएगा और ये वाला भी एंटी क्लॉक वाइज घुमाएगा, दोनों ही एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं। ठीक। कपल में हमेशा यही होता है कि दोनों मिल करके बॉडी को एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे या तो दोनों क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर इन्हीं फोर्सेस को जस्ट उल्टा कर दें, इसको नीचे कर दें इसको ऊपर कर दें, तब बॉडी कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। अभी फिलहाल बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, उसको भी यार टाउ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें भी फॉर्मूला आर इंटू एफ ही होता है, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कि उसमें जो R था वो अलग चीज थी और इसका जो R है वो अलग है। फॉर्मूला देखने में सेम है, tau is equal to R into F, ठीक? लेकिन यहां पर ये है कि वो जो R था that was the perpendicular distance between point of rotation and line of action of force, है ना? देख रहा है डायग्राम में, देखो उधर उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, बट अभी क्या है कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो दोनों मिलकर के बॉडी को किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में ही घुमाएंगे, दैट इज नोन एज कपल। अब एक
क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड कपल? बताओ भाई, पहला डिफरेंस बताओ. टॉर्क में नहीं, टॉर्क में देयर मे बी नंबर ऑफ फोर्सेस. एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. अभी देखो तीन का एग्जांपल दिया था ना, F1R1 - F2R2 + F3R3, तो वहां कितने फोर्सेस थे? तीन. टॉर्क के केस में एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स, हजार फोर्स, कितने भी हो सकते हैं. लेकिन कपल के केस में सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स होंगे. बात समझ में आ रही है? दूसरा डिफरेंस, हाँ, कपल के केस में जो दोनों फोर्सेस हैं दे आर इक्वल एज वेल एज दे आर जस्ट अपोजिट. मतलब दोनों फोर्सेस जस्ट अपोजिट हैं. लेकिन टॉर्क के केस में ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है सारे एक ही डायरेक्शन में हो, या हो सकता है कोई क्लॉकवाइज घुमाए, कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, कुछ भी हो सकता है. बात समझ में आ रही है? लेकिन वही तो कपल है भाई. दो फोर्सेस हो, ठीक, और दोनों सेम हो, जस्ट अपोजिट हो, तो क्या बनाएंगे? वो कपल फॉर्म करेंगे. बात समझ में आ रहा है? थर्ड डिफरेंस क्या होगा? उसके केस में, टॉर्क के केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का है, जबकि यहां पे दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस. फोर्थ, अगला डिफरेंस क्या है? हाँ, इसमें जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इसमें यहां पर पॉइंट ऑफ रोटेशन बीच में है, दोनों फोर्सेस एक इधर एक इधर. लेकिन टॉर्क के केस में जो भी फोर्सेस हैं वो चाहे उधर हो चाहे इधर हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं. इसमें लेकिन क्लियर है कि हमेशा एक फोर्स इधर होगा तो दूसरा फोर्स इधर होगा. दैट मीन्स बोथ फोर्सेस विल बी इन इधर डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन. समझ में आ रहा है? अगला डिफरेंस, बनाते जाओ, जितना तुमने सुना अभी तक, जितना तुमने सीखा, उसी के बेसिस पे ही तो बता रहे हैं, कोई अलग सी चीज तो बता नहीं रहे. बताओ और क्या हो सकता है? टॉर्क के केस में हो सकता है कोई फोर्स क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे, हो सकता है कोई दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे. लेकिन कपल के केस में दोनों बॉडी को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं. हो चुका? तो और कौन सा बचा भाई? सारे हो गए. तो ये बेसिकली चार पांच डिफरेंसेस हैं टॉर्क और कपल के बीच के, ठीक है? तो अगर पूछा जाएगा तो बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना? फॉर्मूला दोनों का R into Fe है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा. कुछ किताबों में टॉर्क कपल सब एक ही मान के कर देते हैं, लेकिन यही फंडामेंटल डिफरेंस है, तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए. ठीक, क्या बेटा? हाँ, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो कोई भी एक ले लो. बेटा तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में भी तो दोनों ले ली. अगर हम उसकी बात करते, अब ध्यान से सुनो, अगर हम इसकी बात कर रहे होते तो बोलो हम डिस्टेंस सिर्फ इतनी लेते. बोलो यार, है ना? और अगर हम इसकी बात करते तो हम यही डिस्टेंस लेते. तो आपने जब कपल की बात की है तो तुमने डिस्टेंस भी तो पूरी ले ली. नहीं समझ में आया? केवल इस वाले फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा? केवल इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा? F into ये डिस्टेंस, सही है? और केवल इसकी वजह से कितना होगा? अगेन F into इतना डिस्टेंस. और इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों कैसे घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज. दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो हम ऐड कर सकते हैं. अगर दोनों को ऐड करोगे तो बोलो F कॉमन हो गया, R/2 + R/2 R, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया? F into R. लेकिन दोनों R अलग अलग हैं, बस ये बात ध्यान रखिएगा. क्लियर एकदम? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट हेडिंग डालिए. अगली हेडिंग है फ्री बॉडी डायग्राम. नेक्स्ट हेडिंग इज फ्री बॉडी डायग्राम.
फ्री बॉडी डायग्राम, देखो फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है वो किसी भी पॉइंट या बॉडी का हो सकता है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम का शॉर्ट फॉर्म FBD है। ये FBD हम लोग किसी भी पॉइंट का बना सकते हैं या किसी भी बॉडी का, दोनों का बना सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि हम हमेशा बॉडी का ही बनाएंगे, हम बॉडी का भी बना सकते हैं और पॉइंट का भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक टाइप का डायग्राम है, नाम से समझ में आ रहा होगा। इस डायग्राम को बनाने के तीन मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम। पहला क्या है? सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम। अब बात आई कि बॉडी कौन सी है? बॉडी वही है जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। जिस भी बॉडी का हम FBD बनाना चाहते हैं उसको सिस्टम से अलग करिए। अब बात यह है कि सर सिस्टम क्या होता है? कोई भी चीज जो उस बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में है वो सब सिस्टम में आता है। जैसे अगर इनके इस बैग की मैं बात करूं, ये बैग देखो है सबको, इनका बैग जो है ये, इस बैग की अगर हम बात करें तो इस बैग के नीचे जो टेबल है वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में है, बोलो भाई। उस बैग के ऊपर इनका रजिस्टर रखा है वो भी कॉन्टैक्ट में है, उस बैग के ऊपर इनका हाथ टच कर रहा है, तो ये भी सिस्टम में आ गए। सिस्टम में अगर हम बैग की बात करें तो इस बैग के साथ सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ गई? वो टेबल, ये इनका रजिस्टर और ये खुद, क्योंकि ये उसको टच कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो बैग के साथ कांटेक्ट में जो कुछ भी है वो सब सिस्टम में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है? इस बैग को वहां से उठाकर यहां हवा में लाओ। सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम, क्लियर? फिर दूसरी चीज होती है शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था फोर्सेस कितने होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो फोर्स आपके अंदर लगे हुए हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं। जैसे टेंशन का एग्जांपल दिया था कि जो टेंशन होता है वो सबकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है। तुम्हारे अंदर का टेंशन अलग है, मेरे अंदर का टेंशन अलग है, वो ना मेरे चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है ना तुम्हारे चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो टेंशन किसी का भी हो वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर की बात है, ठीक। तो टेंशन का फोर्स भी कैसा फोर्स हो गया? इंटरनल फोर्स हो गया। समझ आ रहा है ना? लेकिन जो बाहर से फोर्सेज लगे हैं वो सब कैसे हो गए? एक्सटर्नल फोर्सेज। अब इसमें जरा डिफरेंस समझिएगा। टेंशन का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी रॉड है, कोई भी रस्सी है, दोनों में ही बेटा हमेशा टेंशन की बात हो जाती है। जैसे अगर रस्सी रखी है, तुमने रस्सी में कोई पार्टिकल बांध दिया और तुम ऐसे ऐसे मुड़ा के उसको सिंपल पेंडुलम तुमने बना दिया, ठीक। तो वो जो रस्सी है उस रस्सी में अपने आप एक टेंशन जनरेट हो जाएगा कि यार हम अच्छा खासा थे, इन्होंने ला के पार्टिकल बांधा और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो उस रस्सी में अपने आप एक टेंशन जनरेट हो जाएगा। उस रस्सी की जगह खुद को रख के देखो, अपने आप आपको समझ में आएगा कि टेंशन जनरेट होगा कि नहीं होगा। तुमको कोई ऐसे बांध दे खोपड़ी से, ऐसे ऐसे नीचे कोई चीज बांध के ऐसे ऐसे लटकाए, तो आपके दिमाग में अपने आप एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, होगा। जैसा टेंशन हम लोगों के अंदर क्रिएट हो रहा है सेम वैसा ही टेंशन उस रस्सी में भी क्रिएट हो रहा है, और अगर रस्सी की जगह रॉड होती तो उसमें भी होता है। उसका एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया था कि ये जो फैन जिस रॉड से लटका हुआ है उस रॉड में भी टेंशन है कि नहीं। टेंशन इस बात का है क्योंकि फैन का जो वेट है वो किधर लग रहा है? नीचे। और उस वेट को ढो कौन रहा है? रॉड। तो रॉड में टेंशन होगा। इसी तरीके से जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसमें भी टेंशन है, जिस शूज को हम लोग पहन के घूम रहे हैं उसमें भी टेंशन है क्योंकि हमने उसको दबा रखा है, बेचारा झेल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो टेंशन उसकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है, लेकिन कब तक? टेंशन इंटरनल प्रॉपर्टी है कब तक? जब तक ये फैन ऊपर है। जिस दिन ये फैन टूट के गिर गया सबको पता चल जाएगा भाई ये घनघोर टेंशन में था। सोचो होगा कि नहीं होगा? मेरे अंदर का टेंशन तुम्हें तब तक पता नहीं चल रहा है जब तक हम प्यार से पढ़ा रहे हैं,
हम आते ही मारना पीटना शुरू करते हैं, या वो जो तुम्हारा एक टीचर है उसकी तरह बुला के कुछ भी कहानी शुरू कर दें, तो पता चल जाएगा ना कि वो कितनी टेंशन में है बेचारा। उसका काम नहीं चल रहा तो वो टेंशन में होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो टेंशन तब तक शो नहीं होता है। देखो हंसी मजाक में जरूर बता रहा हूँ, लेकिन बहुत गहरी बात है ये, बहुत सॉलिड बात है ये, और ये न्यूमेरिकल्स में तुम्हारी हेल्प करेगी। टेंशन का फोर्स तब तक हम लोग इंटरनल मानते हैं बेटा जब तक दोनों बॉडीज कॉन्टैक्ट में है। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, ठीक, ये दोनों जब तक दोस्त हैं तब तक इन दोनों की बातें सीक्रेट्स आपस में सबको पता है। वो इनके बीच की अंदर की बात है, इनके कुछ सीक्रेट इनको पता है, इनके कुछ सीक्रेट इनको पता है, लेकिन ये इनके अंदर की बात तभी तक है जब तक दोनों आपस में दोस्त हैं। जिस दिन ये दोस्ती टूटी, अबे पता तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, होता है कि नहीं होता? मतलब इंटरनल फोर्सेस तभी तक हैं जब तक ये फैन उस रॉड के साथ कॉन्टैक्ट में है। जिस दिन फैन अलग हुआ, फैन नीचे आते तुरंत बोलेगा भाई वो बहुत टेंशन में था, उसने हमको फेंक दिया नीचे। बात समझ में आ रहा है? रॉड भी यही बोलेगा यार वो साला बहुत भारी था इसीलिए हमने फेंक दिया उसको, बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब उस बॉडी को सिस्टम से अलग किया तो अब जितने भी उसके इंटरनल फोर्सेस थे वो सब भी यहाँ एक्सटर्नल हो जाएंगे। हमने कहा ना फैन तब तक टेंशन शो नहीं करेगा जब तक वो नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर वो वहां से अलग हुआ तब तो दौड़ दौड़ के बताएगा ना यार कि यार वो बहुत टेंशन में था, उसने हमको फेंक दिया। उसी तरीके से जब इस रॉड को अलग करोगे, अरे इस बैग को अलग करोगे, तो इस बैग में भी जितने भी फोर्सेस होंगे वो सब आप शो करेंगे। अब आप ये बताइए इस बैग में बेटा कितने फोर्सेस लगे हुए हैं? पहला इस बैग का वेट, सही है? दूसरा ग्रेविटेशन हो गया, वेट का मतलब ही ग्रेविटेशन है एमजी। दूसरा टेंशन, यहाँ कौन सा रॉड या रस्सी है? टेंशन हर जगह थोड़ी ना होगा भाई। टेंशन का बात हमने किसके लिए कहा, रॉड के लिए या रस्सी के लिए, है ना? दूसरा बेटा कौन सा फोर्स है? रिएक्शनल फोर्स। किसका रिएक्शन? जो टेबल से मिल रहा है। भाई तुमने बैग को रखा है तो बैग टेबल को किधर की तरफ धक्का दे रहा है? नीचे की तरफ। तो टेबल बैग को किधर की तरफ धक्का देगा? ऊपर की तरफ। तो वो रिएक्शन वाला फोर्स आ गया ना। तीसरा फोर्स कौन सा होगा? इनका हाथ रखा है कॉन्टैक्ट में है, अगर इनका हाथ बैग के साथ कॉन्टैक्ट में है तो इनका हाथ फोर्स किधर लगाएगा? नीचे। तो वो भी एक फोर्स हो गया। कहने का मतलब जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो सब हम शो करेंगे। देन थर्ड स्टेप इज अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड कंडीशन क्या है? अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको आप लोग लिख लीजिए इस पर बेस, जल्दी से मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, जल्दी से लिखो भाई। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के तीन स्टेप्स, और एकदम ऐसे ही सीक्वेंस वाइज ही आप फॉलो करेंगे। जहां भी एफबीडी बनाना होगा कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? जल्दी से बनाइए। देखो भाई, सबसे पहला सिस्टम ये है जिसमें एक बॉल है जमीन पे रखी हुई है, ठीक। तो सबसे पहले अगर मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस बॉल को जमीन से अलग करेंगे। जैसे ही अलग करेंगे बोलो सबसे पहला फोर्स बॉल पे कौन सा होगा? उसका अपना वेट। और दूसरा फोर्स कौन सा होगा? अर्थ का रिएक्शन। अर्थ का रिएक्शन, that is known as normal reaction। एक बेटा चैप्टर है आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्शन रिएक्शन। सबको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। तो जो चैप्टर का मैं नाम बता रहा था वो है सपोर्ट एंड रिएक्शन। जहां से आपको सपोर्ट मिलेगा इट इज 100% श्योर कि वहां से आपको रिएक्शन भी जरूर मिलेगा। जहां से भी, डेली लाइफ में भी ये चीज अप्लाई होती है और यहां तो अप्लाई होती ही होती है। डेली लाइफ में भी जो भी तुम्हें आज सपोर्ट कर रहा है, आज नहीं तो कल तुम्हें रिएक्शन जरूर देगा, 100% रिएक्शन देगा। आज पेरेंट्स आपको फुल सपोर्ट दे रहे हैं, इस कोचिंग में पढ़ लो, उस स्कूल में पढ़ लो, इतना ये कर लो वो कर लो। आज के 10 साल के बाद अगर आप पैसा वैसा नहीं कमा पाए
तो घर वाले भी तगड़ा रिएक्शन देंगे आते जाते दोनों टाइम, समझ रहे हैं ना, आते टाइम भी बजा के जाएंगे और जब लौट के आएंगे तो फिर बजाएंगे। तो वो क्या है, वो उनका रिएक्शन है। बजाने का मतलब मार भी सकते हैं कुछ घर वाले, या आते जाते कुछ ना कुछ तो बोलते जरूर जाएंगे, घर में बैठा रहता है फालतू ना लायक कहीं का, इतना ही बोल देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर उन्होंने सपोर्ट दिया है किसी भी बॉडी को, उसी तरीके से अगर कहीं से भी सपोर्ट मिला है बेटा, तो वहां से रिएक्शन उसको जरूर मिलेगा। और वो रिएक्शन हमेशा कैसा होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब सेकंड केस देखो, ये हो गया भाई इसका एफबीडी हो गया। क्लियर? तो एफबीडी में क्या था, सबसे पहले हमने बॉल को अलग किया, दूसरा क्या था, शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, तीसरा क्या है, अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम दो ही होती है, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। सही है? नेट फोर्स अगर मैं जीरो करूंगा तो हम यही बोलेंगे कि भाई जो एन होगा माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू जीरो। चेक करो, एन किधर की तरफ है, ऊपर, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। एम जी किधर है, नीचे, तो कैसा होगा, निगेटिव। सो एन माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। और ये कंडीशन कौन सी है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू, वही वाली है। चेक करो, सम ऑफ ऑल द फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। तो दो ही फोर्स थे, एक ऊपर एक नीचे, साइन के साथ लेंगे ना यार, जो ऊपर वाला है वो पॉजिटिव, जो नीचे वाला है वो निगेटिव। सो एन माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू जीरो। यहां पे देखो भाई, इस बार फिर से बॉल को अलग करेंगे, ठीक, फिर से बताओ कौन कौन से फोर्सेस हैं, पहला वेट, दूसरा रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन इस बार कैसा मिलेगा, लाइक दिस, दिस इज अगेन परपेंडिकुलर टू सरफेस। बोलो यार, समझ में आ रही बात? तो इस बार जो रिएक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, और इसके लिए आप फिर अप्लाई करेंगे बेटा नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। कुछ बात समझ में आई? तो इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे आते हैं, तो उसको हम लोग अगली क्लासेस में सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम की, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम से पहले मैंने आप लोगों को फोर्सेस के बारे में बताया होगा और टॉर्क के बारे में बताया होगा, है ना। टॉर्क में किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा, क्लियर है? अगर बॉडी को लीनियर मोशन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, फोर्स। लेकिन अगर बॉडी को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, टॉर्क, ठीक। और अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो लीनियर मोशन भी नहीं होना चाहिए, रोटेशनल मोशन भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समेशन ऑफ फोर्स सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा ऑफ टॉर्क शुड बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो अब इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ कंडीशंस को देखते हैं। देखो, जैसे अगर मान लो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे हैं, इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं। ये कोई एक वी शेप का इंक्लाइंड प्लेन है, इधर इसका एंगल है 30 डिग्री, इधर की तरफ इसका एंगल है 60 डिग्री, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक मान लो ऐसे कोई बॉल रख दिया, ठीक है। इस बॉल का जो वेट है दैट इज 1000 न्यूटन। आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो, एक चीज होती है इसमें, मैंने शायद आप लोगों को सपोर्ट रिएक्शन, आपको जहां से भी सपोर्ट मिलेगा वहां से एक रिएक्शन जरूर मिलेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि अगर एक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगा। सेम टाइप का एक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रिएक्शन का, किसी भी बॉडी को जहां से भी सपोर्ट मिलता है सेम उसी जगह से उसको कुछ ना कुछ रिएक्शन भी जरूर मिलता है, और वो रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को अगर ऐसे कहीं पे रोकना है तो इसको हमें दो सपोर्ट देना पड़ेगा, एक सपोर्ट इधर से और एक सपोर्ट इधर से। ऐसे अगर दो सपोर्ट मैं दे दूं तो ऐसे रुक जाएगा ना, है ना। तो अगर इस टाइप के दो सपोर्ट इसको दिए गए हैं तो इस पेन के ऊपर दो रिएक्शंस भी मिलेंगे उन्हीं पॉइंट ऑफ सपोर्ट से। इसी तरीके से अगर इस बॉडी को सपोर्ट किसने दिया, इंक्लाइंड प्लेन ने, तो ये प्लेन उसको रिएक्शन भी देगा। वो रिएक्शन हमेशा कैसा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर।
तो आपसे बस यही पूछा जा रहा है कि इफ अ बॉल ऑफ वेट 1000 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ वी शेप इंक्लाइंड प्लेन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस. लिखिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. फ्री बॉडी डायग्राम के मैंने 3 स्टेप्स आपको सिखाए थे. सबसे पहला स्टेप होता है सेपरेट द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम, मतलब इस बॉडी को पूरे सिस्टम से अलग करो. तो देखो, इस बॉल को मैं पूरे सिस्टम से अलग कर रहा हूं, यहां पे मैं ले आया बॉल को. ठीक है, दूसरा स्टेप होता है शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. इसके ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सब शो करिए. तो एक्सटर्नल कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो इसका वेट हो जाएगा. वेट किधर की तरफ होगा? डाउनवर्ड. तो 1000 न्यूटन का एक फोर्स डाउनवर्ड हो गया. दूसरा फोर्स इसके ऊपर कौन सा लगेगा? दैट इज द रिएक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, विच इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन. तो एक नॉर्मल रिएक्शन ए से हो गया और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन कहां से होगा? बी से. सो इट इज एन बी. तो वही सेम चीजें मैं यहां दिखा रहा हूं भाई. ये हो गया आपका एन ए और इधर की तरफ एक हो गया एन बी. इसके अलावा और कोई फोर्स होगा क्या? सोच लो भाई, क्या इसके अलावा और भी बॉडी किसी भी जगह पर कॉन्टेक्ट में है? नहीं है. देखो, फोर्सेस वहीं पर जनरेट होते हैं. या तो हम ऊपर से फोर्स लगा दें कि भाई एक फोर्स हमने इधर की तरफ लगाया तो हम उसको दिखाते हैं, या तो हम बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से टच कराएं कहीं पर, क्योंकि अगर कहीं पर टच होगा तो जरूर वहां पर एक फोर्स क्रिएट होगा और वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है. ठीक, तो अगर ये टच हुआ है यहां पर प्लेन से, तो प्लेन ने एक रिएक्शन ऐसा दिया, एक रिएक्शन ऐसा दिया. बात समझ में आई? आपको यही NA और NB दोनों की वैल्यू निकालनी है. क्लियर है? तो फ्री बॉडी डायग्राम के 3 स्टेप्स थे ना. पहला सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम कर दिया, दूसरा शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस कर दिया, तीसरा अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस होती हैं. सबसे पहली मैंने आपको सिखाई थी सिग्मा एफ इक्वल टू 0, दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0. अब जरा ध्यान से देखो, इसमें कितने फोर्सेस है बेटा? 3. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. इसका मतलब इन तीनों वेक्टर्स का सम कैसा होना चाहिए? 0. और वेक्टर्स का सम मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है. वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं, जिसमें इस टर्म में सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज मेथड ऑफ कॉम्पोनेंट. कौन सा मेथड? मेथड ऑफ कॉम्पोनेंट. जिन लोगों को नहीं भी पता है उनको भी देखो मैं सिखा रहा हूं. बहुत सिंपल सा मेथड है, मेथड ऑफ कॉम्पोनेंट. मेथड ऑफ कॉम्पोनेंट बेटा ये कहता है, जिस भी डायग्राम में मेथड ऑफ कॉम्पोनेंट लगाना हो, सबसे पहले तो वहां पर आप एक एक्स एक्सिस बनाइए और एक वाई एक्सिस बनाइए. जैसे ही आप एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर यहां पर देखो मैं बना रहा हूं, ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला कितना होगा? 30. क्यों? करिस्पोंडिंग एंगल. ये वाला अगर 60 है तो ये वाला कितना होगा? 60. इट मींस दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज 30. करेक्ट है? अब ये NB है, फोर्स है, ये 30 डिग्री है. बोलो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? NB cos 30. एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता है? कॉस वाला. और जो बच गया वो साइन वाला. तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एन बी साइन 30. सिमिलरली एन ए है, ये 60 है, तो इधर की तरफ एन ए कॉस 60. एंगल के साथ वाला कॉस, जो बच गया वो, तो एन ए एन ए साइन 60. बोलो इतने में कोई डाउट अगर किसी को तो पूछ लो भाई. क्लियर एकदम? एंगल के साथ वाला कॉस, जो बच गया वो साइन. अब हमने ये कहा कि यार सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0,
इसका मतलब ये भी यही है ना कि सारे फोर्सेस का सम जीरो है। तो सारे फोर्सेस का सम एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में जीरो होगा, क्योंकि जरा ध्यान से देखो सारे फोर्सेस का सम हमें जीरो करना था, और यहां पर जो फोर्सेस लगे हैं वो किन किन डायरेक्शंस में, एक्स में और वाई में। इसका मतलब इस कंडीशन को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। सबसे पहला पार्ट क्या है, सिग्मा एफ एक्स जीरो, और दूसरा पार्ट क्या हो गया इसका, सिग्मा एफ वाई जीरो। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, सिमिलरली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y direction should be also zero. कुछ समझ में आ रहा है? तो x direction में कौन कौन से forces हैं बेटा? कौन कौन से हैं? nb cos 30 और na cos 60. जो right side में है वो positive, जो left side में है वो negative. So, ये पॉजिटिव हुआ जबकि ये वाला नेगेटिव हुआ, एन ए कॉस 60 इक्वल टू जीरो। क्लियर एकदम, कोई डाउट तो नहीं इसमें? दूसरी इक्वेशन कौन सी है बेटा, सिग्मा एफ वाई जीरो, दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो जीरो। वाई में कौन कौन है, एन बी साइन 30 प्लस एन ए साइन 60 माइनस 1000 इक्वल टू जीरो। चेक करो अपने पास दो इक्वेशंस बन गई, पहली और दूसरी। अननोन्स कितने हैं, दो, कौन कौन से, एन बी एंड एन ए। दो इक्वेशन है यार, दो अननोन है, सॉल्व कर डालो आंसर आ जाएगा। यहां बताओ कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, सो इट विल बिकम रूट 3 एन बी बाई 2 माइनस कॉस 60 मतलब 1 बाई 2 एन ए इक्वल टू जीरो। सो इस इक्वेशन से बोलो क्या मिलेगा, एन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स एन बी, ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पक्का है? यहां पर देखो जरा ध्यान से, एन बी साइन 30 मतलब 1 बाई 2 प्लस साइन 60 मतलब, सो रूट 3 एन ए बाई 2 इज इक्वल टू 1000। एन ए की वैल्यू कितनी है, तो रख देते हैं यहां पे उठा के, जरा ध्यान से देखना, एन बी बाई 2 प्लस रूट 3 पहले से लगा है, एन ए की वैल्यू रूट 3 एन बी, रूट 3 इंटू रूट 3, सो इट इज 3 एन बी बाई 2 इक्वल टू एन बी बाई 2 प्लस 3 एन बी बाई 2, 4 एन बी बाई 2 मतलब 2 एन बी, और अगर 2 एन बी की वैल्यू 1000 है तो एन बी कितना हुआ, तो बोलो एक आंसर आ गया 500 न्यूटन, फोर्स है ना, सो इट विल बी इन न्यूटन। तो एन बी बेटा मिल गया, तो यहां से एन ए मिल गया, रख दो उठाकर, एन ए की वैल्यू कितनी आ गई 500 रूट 3 न्यूटन, जिसका मन है रूट 3 की वैल्यू भी रख लो 1.732, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लिख डालो जल्दी से। ये अब इसी क्वेश्चन में देखो, एक नया काम कर रहा हूँ, तब बताओ इसको क्या करोगे। अगर किसी में ऊपर से एक स्प्रिंग लगा करके इसको दबा दिया जाए, स्प्रिंग की मदद से इसको कंप्रेस कर दिया है, अब फिर से आपको वही ए और बी पर लगने वाला फोर्स निकालना है, इसका वेट फिर से 1000 न्यूटन है। स्प्रिंग जो होता है उसका नेचर बेटा ऐसा होता है कि अगर उसको दबाओगे तो वो बाहर जाना चाहेगा, बाहर खींचोगे तो अंदर जाना चाहेगा, इसका मतलब स्प्रिंग हमेशा हमारा अपोज करता है ना, और स्प्रिंग में लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें x का मतलब होता है इलॉन्गेशन और कंप्रेशन, x का मतलब क्या है, इलॉन्गेशन और कंप्रेशन। इलॉन्गेशन का मतलब कितना खींच दिया गया, कंप्रेशन का मतलब कितना दबा दिया गया, जैसे 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है खींच करके 13 सेंटीमीटर कर दिए, तो x कितना हुआ 3, और 10 का है 8 सेंटीमीटर, तब
टू, तो आपको ये लेना है कितना कंप्रेस किया या कितना एलोंगेट किया होगा। स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचते चले जाओ चली जाती है, उतना ज्यादा लगानी पड़ेगी। दबाने में यही चीज होती है, जितना ज्यादा दबेगा उतने ज्यादा बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो माइनस का साइन बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो स्प्रिंग का फोर्स होता है हमेशा हमारे काम का अपोज करता है। बात समझ आ रही है ना? तो प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन हटेगा तो वहां पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट, तो बन गया एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग का जो फोर्स है वो सिंपली किसके इक्वल हो गया, के एक्स। तो इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज आपको और ऐड कर दे रहा हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 2 न्यूटन पर मिलीमीटर, 2 न्यूटन पर मिलीमीटर। स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ थी 150 mm और कंप्रेशन के बाद उसकी लेंथ हो गई 100 mm। ठीक है, तो कितना कंप्रेस हो गया? 100। अब क्वेश्चन सुनिए पूरा। ठीक, अब ध्यान से देखो, स्प्रिंग की मदद से अगर तुमने इसको कंप्रेस किया तो बॉल पे फोर्स कितना लगेगा? डाउनवर्ड्स। भाई बॉल को तो बाहर है ना, तो बॉल पे फोर्स कितना लगेगा? डाउनवर्ड्स। उस फोर्स की वैल्यू कितनी है? केस है ना, के कितना है? 2। एक्स कितना है? 50। सही है, सो 50 × 2 100। सब कुछ यही रहेगा, बस एक एडिशनल फोर्स और हो जाएगा। कितने का? किधर की तरफ? फॉरवर्ड्स। बाकी सब कुछ सेम है। पूरी इक्वेशन फिर से बनाओगे, ये इक्वेशन वैसे ही रहेगी, बस यहां पर -100 = 0। कुछ समझ में आया? तो ये स्प्रिंग का कांस्टेंट हो गया। इस तरीके से स्प्रिंग यूज किया जा सकता है। इसमें हम कोई रस्सी लगा सकते हैं। अगली क्लास में आपको इस पर मैं और कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा अलग अलग टाइप के। बाकी इस चैप्टर में बेटा थ्योरी में कुछ नहीं रह गया, तुम्हारा काम बस अभी जब न्यूमेरिकल्स लगाओगे ना अभी, तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि यहाँ देखो यार ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो आप लोग बस न्यूमेरिकल्स शुरू करिए, ठीक है? अभी एस सी वर्मा मत छूएगा। बाकी जो किताब आपके पास है, एस एल अरोरा हो या नूतन की हो, उसको एक बार लगा लो, फिर एस सी वर्मा की एक्सरसाइज पे आओ, ठीक है? वरना आप लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे। मैं सुखाती हूँ, चलिए ठीक। वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया था जिसके बेटे सिर्फ 3 स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप था आपका सेपरेट बॉडी फ्रॉम सिस्टम, दूसरा आपका स्टेप था शो द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, और तीसरा था अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बेटा 3 बेसिक कंडीशन थी। सबसे पहला, सारे फोर्सेस बॉडी पर एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होंगे वो सब 0 होंगे। दूसरी कंडीशन थी, सारे फोर्सेज वाई डायरेक्शन में जो बॉडी पर होंगे वो भी 0 होंगे। और तीसरी कंडीशन थी, जितना टॉर्क बॉडी पे लग रहा होगा, टॉर्क के बारे में सबको पता है ना, टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का काम है किसी भी बॉडी को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करना, ठीक? तो अगर ये टॉर्क 0 हो जाएगा तो बॉडी का रोटेशनल मोशन खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर फोर्स 0 हो जाएगा तो बॉडी का लीनियर मोशन खत्म हो जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें खत्म हो गई बॉडी में से, तो बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। तो उसका मतलब जैसे रखी है वैसे ही रखी रहेगी, या जैसे यूनिफॉर्म मोशन में चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, मतलब उसकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये कंडीशन हमने अचीव कर ली तो बात समझ में आ गया था, ठीक? अब इस पर बेस शायद मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको। कौन कौन से कराया था? स्प्रिंग लगा भी कराया, स्प्रिंग के बारे में बताया था। कहीं भी क्वेश्चन में अगर स्प्रिंग यूज होगा तो एफ इज इक्वल टू के एक्स उसका फॉर्मूला है, जिसमें के होता है बेटा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आपको गिवन होगा, एक्स का मतलब होता है वो स्प्रिंग कितना एलोंगेट हुई या कितना कंप्रेस हो गई। ये चीज हम लोग निकाल करके उसमें रख देंगे तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक? अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चन देखें, जैसे
ये रहा तो एक इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री पर इंक्लाइन है, एक बॉल ये है कोई और इसी के जस्ट कॉन्टैक्ट में एक बॉल ये भी है, ये तो नहीं कराया था ना आपको। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि पहली वाली जो बॉल है इसका भी वेट मान लीजिए 100 न्यूटन है, जो दूसरी वाली बॉल है इसका भी वेट मान लीजिए 100 न्यूटन है। ये कोई पॉइंट ए होगा, एक बी होगा, एक पॉइंट सी होगा, ये तीन पॉइंट्स ऐसे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं जो कि बॉल के साथ कॉन्टेक्ट में, मतलब बॉल और किसी सर्फेस का कॉन्टेक्ट पॉइंट है। ठीक, और आप सबने ये बात पढ़ रखी है किसी भी बॉडी को हम लोग जहां भी जिस भी पॉइंट पर सपोर्ट देंगे वहां पर हमेशा एक नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा। सही है, तो यहां पर क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट ऑल द रिएक्शंस एक्टिव ऑन द बॉडी। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट ऑल द रिएक्शंस एक्टिंग on the body, all the reactions acting on the body। यहाँ पर बॉडी में reactions अगर निकालने हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, we will make a free body diagram। free body diagram का मतलब बेटे क्या है कि ये मान लो पहला बॉल है, ये वाला मान लो ये दूसरा बॉल है, तो अगर पहले वाले बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहला काम क्या है, उसको आप पूरे सिस्टम से अलग करेंगे। ठीक, जैसे ही आप उसको पूरे सिस्टम से अलग करेंगे, नाउ थ्रू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, पहला एक्सटर्नल फोर्स बोलो कौन सा है, उसका अपना वेट जो कि हमेशा नीचे लगेगा, दूसरा फोर्स कौन सा है भाई, ए पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान से सोचो क्योंकि ये प्लेन बेटा इंक्लाइन है तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन बोलो ऐसा होगा, so this is a normal reaction NA, ठीक है, और तीसरा जो force होगा क्या वो ऐसा होगा NB वाला, ये भी एक force हो गया NB का, और कोई force दिख रहा है क्या किसी को, बताओ और कोई force, ball भी लगाएगी, जैसे इसका reason क्या है, कोई भी दो bodies अगर contact में होती हैं तो तुरंत उनके बीच में भी कुछ contact का force लगता है। आप बताइए सर क्यों लगता है, जैसे मान लो ये दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक, गर्मी का ऑलरेडी मौसम है, टाइम ऐसा है एकदम बरसात हो रही है, अब अगर किसी की भी बॉडी किसी के भी, उसमें जैसे हाथी है मान लो दोनों टच हुआ, दोनों लोग के दिमाग में एक सिग्नल आता है यार थोड़ा दूर चले जाए, गर्मी बहुत है दूर रहो, आता है ना, और अगर इन्होंने इनसे यही बात बोल दिया कि यार थोड़ा दूर रहो और उसका बोलेंगे कि इतनी दिक्कत है तो भी दूर हो जाओ, उधर चली जाओ, दोनों लोग बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी दो बॉडीज एक साथ कहीं भी कांटेक्ट में आई तो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक रिएक्शन का फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन ये वाली जो फीलिंग है, देखो टच करते ही दिमाग में तुरंत सिग्नल आता है, भले उस बात को हम लोग संकोचवश बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन दिमाग में तुरंत आता है कोई भी अगर कहीं भी टच करता है भाई ठीक है दूर रहो यार, आता है सबके दिमाग में आता है, बस हम लोग बोलते नहीं कि बोल देंगे उसको बुरा लग जाएगा यार आई हो जाएगी आई हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सोच के नहीं बोलते लेकिन दिमाग में आता है। तो ये जो एक रिएक्शन हमारे अंदर जो फील होता है वो रिएक्शन कैसा है, हमारा अपना इंटरनल रिएक्शन है ना, कोई भी चीज जब बॉडी के साथ होती है तो बॉडी उसका सिग्नल कहाँ भेजता है, दिमाग में, दिमाग उस पर प्रोसेसिंग करता है और वो थॉट प्रोसेस जनरेट कराता है आपका कि भाई उसको दूर हो जाना चाहिए कहे या ना चाहे। क्लियर, सेम चीज इस बॉडी के साथ ये हो रही है, इस बॉडी को इस वाली बॉडी ने यहां पर टच किया, लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम है कुछ डी पॉइंट, ठीक है, तो अगर यहां पर कांटेक्ट हुआ है तो तुरंत इस बॉडी पर एक फोर्स यहां लगेगा जिसका नाम है आरडी, और जितना फोर्स, देखो ये आरडी वाला फोर्स किसने लगाया, उस वाले बॉल ने, ठीक है ना, जितना उसने फोर्स लगाया है सेम उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ जाए, कोई भी दो बॉडीज बेटा अगर कांटेक्ट में होंगी तो उनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। क्लियर एकदम, अब देखो उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसमें भी यही सब है, सबसे पहला इसका वेट हो गया, दूसरा इस पर भी एक रिएक्शन हो गया एनसी, और इस पे भी एक वाला फोर्स हो गया आरडी,
that is the reaction force. Any doubt? Clear है? कितने unknowns हैं बेटे अपने पास? कितने दिख रहे हैं आपको unknowns जो ना पता हो? चार. Na, Nb, Nc और Rd. There are four unknowns. So we require how many equations? Four. जिसमें से दो बेटे यहाँ से मिलेंगे, दो यहाँ से मिलेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है. तभी तो हमसे बोला ना रिएक्शन बताओ. तो सबसे पहली इक्वेशन यहाँ पर बोलो क्या होगी? Sum of all the forces in x direction should be zero. तो x direction की अगर बात कर रहे हो तो बोलो सारे फोर्सेज को रिजॉल्व करना होगा, मतलब उनके रेजोल्यूशन करना होगा, तोड़ना होगा उसको. कैसे तोड़ेंगे? उसके लिए आप लोगों को सिखाया था कि एक x एक्सिस बनाइएगा और एक y एक्सिस बनाइएगा. अब ये बताओ जरा, यहाँ पर भी बना लो देखना ऐसा, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? 30 होगा. सबको पता है क्यों? कौन सी? ये वाली ना एंगल है, एंगल है ये और ये करेस्पॉन्डिंग कैसे होंगे? ये वाला लेकिन कैसे कहां से बचपन से सबने ज्योमेट्री वगैरह पढ़ रखा है. इसको आप जैसे ही बेटा आगे पढ़ाएंगे तो ये एंगल कितना है? ये कितना होगा? ये 60. तो ये भी कितना होगा? ये कितना है? ये कितना होगा? मैं बोलो भाई, इतना दिमाग हर जगह न लगाना पड़े इसलिए हम लोग एक छोटा सा रूल बना के दिमाग में सेव कर लेंगे. वेट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ वही एंगल होगा जो इंक्लाइंड प्लेन का. क्या रूल है? वेट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ये देखो शुद्ध इंग्लिश है, वेट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ वही एंगल होगा जो इसको एक जगह कहीं पर लिख करके दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा. लेकिन ये कहीं भी कॉपी पे नहीं लिखना है, ऐसे लिख देना. शैलेन सर ने बताया था कि ऐसे लिख दिया. ये कोई रूल नहीं है बेटा, ये आप लोगों के लिए बस हमने एक शॉर्टकट बना लिया है प्रूफ के साथ. प्रूविंग है अपने पास. जहां भी वेट और रिएक्शन के बीच एंगल की बात होगी तो आप तुरंत इंक्लाइंड प्लेन को देखिएगा, उसका कितना है. तो इसका मतलब ये भी हो गया कि यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन होगा NC, बोलो ये भी कितना होगा? ये भी तो वही है ना, वेट है नॉर्मल रिएक्शन है. क्लियर? तो आप बोलेंगे भाई कि ये एंगल हो गया 30. अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये 30 होगा तो क्या ये भी 30 होगा? सही है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि एंगल मिल चुका है हमको. कंपोनेंट मैंने सिखाया था, ये एंगल है, ये फोर्स है, ये एंगल है. तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? एन ए कॉस 30. तो इधर की तरफ क्या होगा? एन ए साइन 30. बस सिमिलरली वही काम यहां भी करो भाई. ये देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाला एंगल 30 था तो ये भी 30 होगा, है ना? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं था बेटा. रूल सिर्फ इतना सा था कि अगर ये फोर्स है, ये एंगल है, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस वाला होता है और जो बच गया वो साइन वाला होता है. ये रूल है, ठीक. अगर यही एंगल ये वाला होता, ये एफ है, ये एंगल मान लो कुछ अल्फा या थीटा कुछ होता, तो यहां पर कॉम्पोनेंट क्या लिखेंगे हम? F cos alpha और यहाँ हम लिखेंगे F sin alpha. बात समझे ना? एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos, जो
जो बच गया वो साइन। तो आपने ये जल्दी से कंपोनेंट्स किए, यहाँ पर भी हम लोग वही काम निकाल रहे हैं। अब यहाँ के लिए भी जरा ध्यान से देखो, एक एक्स एक्सिस बनाएंगे ऐसा और एक वाई एक्सिस बनाएंगे। ये एंगल तो 30 है, सबको क्लियर है, ये 30 है तो बोलो ये भी 30 होगा। व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये कितना है? देखो एंगल्स की बात मैं क्यों कर रहा हूं ये सबको पता है कि नहीं? क्योंकि हम लोग क्या लगाने वाले हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहती है कि जितना फोर्स एक्स में है उसको जीरो करो, जो जो फोर्स वाई में है उसका सम जीरो करो। तो एक्स और वाई में सारे फोर्सेस होने चाहिए ना, वो फोर्स एक्स और वाई में तभी होंगे जब कोई भी इंक्लाइंड फोर्स होगा और आप उसके क्या कर डालेंगे, कॉम्पोनेंट्स। ठीक, और कॉम्पोनेंट हम लोग हमेशा एक्स और वाई में करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये आर डी है, उसके साथ ये वाला एंगल कितना है? देखो डायग्राम देख के बताओ, 60, क्यों 60 मीटर? 30 होगा। तो क्या ये पूरा एंगल 90 है क्या? ये 90 है ना? तो ये 30 है क्या? बेटा ये 90 है तो इसमें से ये क्यों माइनस करोगे? तो ये वाला एंगल भी तो होगा यार,
तो एक कंपोनेंट इधर भी हो गया आर डी कॉस 60 और एक इधर भी हो गया आर डी साइन 60, इसको भी कंसीडर करो भाई। एन बी इसके साथ यहाँ माइनस में और आ जाएगा आर डी साइन 60 है ना, और यहाँ पर आएगा एन ए वाला और इसके साथ माइनस में आएगा आर डी कॉस 60। इसमें भी चेक कर लो, इसमें सारे फोर्सेस लिए हम लोगों ने, 100 हो गया, एनसी हो गया, आरडी हो गया, करेक्ट। अब जाकर के बनेंगे चार इक्वेशंस, ठीक है? तो इन इक्वेशंस को सिर्फ सॉल्व करना है आपको, अगर आप सही से सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर सही आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बशर्ते आपको बस फोर्स फोर्स देखना आता हो कहां पे कौन सा फोर्स है। आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगाने स्टार्ट किए कि नहीं? लगा रहे सब लोग आज कर लाए हो? हां तो चेक करें लाइट जो है या तो क्लासाइड है तो नहीं है लाइट नहीं होते सही है यार आप मेरा बोल रहे हैं आप ही परफॉर्म करोगे के चला दिया कर देगा एक फोर्स हमने ये लगा दिया 150 न्यूटन का, इस
इसका नाम AB डॉट है और ये दो पॉइंट्स हैं COD जिस पे फोर्स लगा है। ये डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है। इस टाइप का एक क्वेश्चन छोटा सा बन गया। अब इस क्वेश्चन में फिर से आपसे यही कहा जा रहा है फाइंड आउट ऑल द नॉर्मल रिएक्शंस, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है सपोर्ट रिएक्शन। बॉडी को अगर हमने कहीं भी सपोर्ट दिया है तो वहां पर उसके ऊपर एक रिएक्शन जरूर लगेगा, है ना। तो एक रिएक्शन का फोर्स तो ये हो गया ए पॉइंट पर, क्योंकि ए पर आपने सपोर्ट दिया है तो ए पर एक रिएक्शन लगेगा और वो रिएक्शन किधर की तरफ ऊपर, ऐसे ही एक यहां पर हो गया आरबी। दो ही जगह हमने बॉडी को देखो सपोर्ट दिया था। इस टाइप का जब छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं ना, ये इस सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। और सिंपल सपोर्ट जहां भी होगा वहां पर एक सिंपल सा रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो हमने परपेंडिकुलर बना लिया। इतने में कोई डाउट तो नहीं किसी को। अगेन वी विल अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो। बोलो एक्स में कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक भी है x में कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, या किसी का कंपोनेंट कर सकते हो? नहीं, कंपोनेंट वहां किया जाता है जहां पर फोर्स इंक्लाइंड हो किसी थीटा एंगल में। जब इंक्लाइंड ही नहीं है, पहले से सारे y डायरेक्शन में है, तो इसमें कंपोनेंट करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन शुड बी आल्सो जीरो। बोलो y में सारे ही फोर्सेस हैं। इक्वेशन बताइए, Ra माइनस 100 प्लस 150 प्लस आरबी इक्वल टू जीरो। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जो फोर्स ऊपर लग रहा है वो पॉजिटिव, जो नीचे लग रहा है वो नेगेटिव। लिख लेंगे इक्वेशन, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ बेटा, दोनों फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। रिएक्शन का जो भी फोर्स होगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और वो हम लोग हमेशा ऊपर की तरफ मानते हैं, ठीक है, ऊपर माना है इसलिए वो पॉजिटिव। अब नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी होती है? समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स ऑन एवरी पॉइंट ऑफ बॉडी शुड बी आल्सो जीरो। मतलब टोटल टॉर्क भी बॉडी पे कितना होना चाहिए? जीरो। टॉर्क कौन सा मोशन देता है? उसको खत्म करने के लिए टॉर्क जीरो होना चाहिए। अब टॉर्क की अगर बात करेंगे तो टॉर्क बेटा ए सी बी या डी किसी भी पॉइंट, मतलब ए बी सी डी किसी भी पॉइंट पर आप टॉर्क निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा एक ही पॉइंट पर निकालेंगे एंड दैट इज पॉइंट ए। स्टार्टिंग के ही पॉइंट पर निकालेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप चाहें तो निकाल के हर पॉइंट पर देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। लेकिन हम लोग हमेशा एक ही पॉइंट पर निकालेंगे ताकि कंफ्यूजन वाला कोई काम ही ना रहे। क्लियर? ठीक। तो देखो टॉर्क के बारे में सबको पता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता है। मैंने उसमें आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर वो फोर्स उसी पॉइंट पे लग रहा होगा तब उसकी वजह से टॉर्क कितना होता है? जीरो। सबको क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी? जीरो। अब जरा ध्यान से देखो, ये आरए वाला जो फोर्स है, क्या ये फोर्स ए पॉइंट पर टॉर्क दे पाएगा? आरए वाला जो फोर्स है क्या ये ए पॉइंट पर टॉर्क दे पाएगा? सबको पता है ना नहीं दे पाएगा, वैल्यू जीरो है। ना बताओ, बताऊंगा अभी मैं, पता है ना। तो आरए वाले ने बेटा दिया नहीं टॉर्क, 100 वाला टॉर्क देगा। कैसे देगा, कितना देगा? टॉर्क दो टाइप का होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये बताओ, ये ए तो फिक्स है, ये कैसे घुमाएगा बॉडी क्लॉकवाइज? तो वैल्यू कितनी है? फोर्स इनटू डिस्टेंस इज 2। 150 वाला बेटा कैसा टॉर्क देगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो माइनस 150 इनटू डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 5। टॉर्क के केस में बेटे मैंने डिस्टेंस क्या सिखाई थी? फोर्स होता है और एक ये पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी घूमने वाली है, तो फोर्स और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस
हम लोग किस पॉइंट पर टॉर्क निकाल रहे हैं, ए पर। तो सारी डिस्टेंसेज आप कहां से कैलकुलेट करेंगे, ए से। सो टोटल डिस्टेंसेज 5, सही है ना। अगला आरबी भी कैसे घुमाएगा, देखो इसको देखने का तरीका समझ लो, जिसको भी डाउट हो रहा हो, जो जिस पॉइंट पर आप टॉर्क लगा निकाल रहे हैं उस पर एक बी ऐसे रख दीजिए, ठीक है, फिक्स हो गए, क्योंकि पॉइंट फिक्स है वहां। अब दूसरा जैसा फोर्स है बस वैसे ही बॉडी घुमाएंगे, ये फोर्स नीचे की तरफ है बॉडी नीचे घूमेगी, ये फोर्स ऊपर की तरफ है बॉडी ऊपर घूमेगी, वो फोर्स भी ऊपर की तरफ है तो बॉडी ऊपर घूमेगी। ऊपर घूमने का मतलब तो जैसे आपने बॉडी को घुमा दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ और डिस्टेंस 6 इक्वल टू बोलो नीचे वाली इक्वेशन से आर भी मिलेगा उसको उठा के जैसे ऊपर वाले में रखेंगे आर हो जाएगा। सपोर्ट देने के लिए बीम बनाया
ये उस बीम पर लगने वाला लोड है। तो आप खुद सोचो, अगर इस घर को स्टेबल रखना है, इस क्लासरूम को स्टेबल रखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी तीन फ्लोर और है, उन तीन फ्लोर्स का ऑलरेडी इतना वेट रहा होगा, है कि नहीं? इतना सारा वेट ऑलरेडी है, फिर उसमें दुनिया भर की चीजें रखी है, बेड है, सारा सामान भी रखना है, इतने लोग भी हैं। कभी कभार ऐसा फंक्शन वंक्शन होता है तो 10-20-50 लोग घर में आ गए तो उनका भी वेट आ गया है ना, 100-100 बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका भी वेट आ गया। तो कहने का मतलब, जो बिल्डिंग होती है उसको ऐसा बनाया जाता है कि अगर कभी ओकेशनली बिल्डिंग पर ज्यादा लोड भी आ जाए तो भी बॉडी यानी कि जो बिल्डिंग है वो उस लोड को बियर कर ले जाए। भाई जरूरी तो नहीं कि अगर बच्चे आए हैं तो यहीं पे बैठेंगे, हो सकता है सारे बच्चे वहां चले जाएं, एक किनारे वहां जाके खड़े हो जाए, किसी को डराने के चक्कर में सब बच्चे उधर ही खड़े। अब पता चला अगर हमारी बिल्डिंग वैसी नहीं बनी होगी तो बच्चे उधर गए तो पूरी बिल्डिंग ऐसे लग जाएगी। बनाई जाती है तो उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि अगर कभी कोई एक्सटर्नल लोड लगे तो ये लोड वही दिखा रहा है कि बिल्डिंग के यानी बीम के इस पॉइंट पर लोड किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। बिल्डिंग के इस पॉइंट पर लोड लग रहा है नीचे की तरफ। उसके बाद भी अगर बिल्डिंग हमारी टिकी हुई है तो उसका तरीका एक ही है कि बिल्डिंग पे लगने वाला नेट टॉर्क और नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ताकि वो बिल्डिंग हमेशा किस कंडीशन में रहे, इक्विलिब्रियम। पूरी बिल्डिंग को इक्विलिब्रियम में लाने का तरीका एक ही है कि इस बिल्डिंग के जितने बीम्स हैं और जितने पिलर्स हैं वो सब इसमें होने चाहिए, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि अगर बीम है इस बीम को, लेकिन इस बार सपोर्ट हम लोगों ने देखो कहाँ दिया है, एक सपोर्ट बीच में दिया है। देखो जब कोई बॉडी जैसे ये रखी हुई है, मान लो ये बॉडी है, इसको हमने एक सपोर्ट यहाँ से दिया, एक यहाँ से दिया, ऐसा तब ये बॉडी आराम से ऐसे इक्विलिब्रियम में रहती है। ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक इसमें नहीं है, आपने देखा हो। लेकिन अगर बॉडी को हम ऐसे सपोर्ट दे रहे हैं, एक सपोर्ट हम यहाँ दे रहे हैं, एक सपोर्ट हम किनारे दे रहे हैं, इस वाले किनारे पर, तो इतना पार्ट जो है ये हवा में लटका हुआ है। जैसे हम लोग के घर में जो छज्जा वाला जो पोर्शन होता है ना भाई, आपका घर यहाँ तक बना हुआ है, दीवार यहीं तक है लेकिन छज्जा जो है थोड़ा बाहर निकला हुआ है, तो ये जो छज्जे वाला जो पोर्शन है इतना, ये पोर्शन तो हवा में लटका है ना, और ये पोर्शन हमेशा ऐसे झुकने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि इतने पोर्शन का वेट कहाँ लग रहा है, किधर किधर वेट लगता है। तो जो छज्जे वाला जो पोर्शन है जो इतना बाहर निकला हुआ है, उतने का वेट नीचे लग रहा है, सोचो यार। और ये हमेशा ऐसे घूमने की कोशिश करेगा ना, अगर वेट लग रहा है भाई, वेट लग रहा है मतलब टॉर्क लग रहा है, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। भाई जरा सोचो, ये दीवार है यहाँ तक की, ठीक, आपका छज्जा जो है वो इतना बाहर निकला है, मानिए सही है, तो जितना पोर्शन छज्जे का बाहर निकला है बोलो इसका वेट यहाँ लगेगा नीचे, तो ये जो वेट इस पे लगेगा वो वेट इसको टॉर्क भी देगा ना क्लॉकवाइज, मेरी तरफ से देखने पर, या आप देखिए आपकी तरफ से देखने पर वेट नीचे है तो ये कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो ये तो छज्जे को तोड़ने की कोशिश करेगा कि छज्जा टूट जाए। तो हम लोगों को ये सिस्टम ऐसा बनाना होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें रहे, तरीका भाई है। तो फिलहाल क्वेश्चन पे इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सीधे कहोगे सर आपने ये सिखाया था कि अगर ये सपोर्ट है तो एक रिएक्शन ये हो गया आर ए और एक रिएक्शन ये हो गया आर सी। बोलो भाई, रिएक्शन का फोर्स हम लोग हमेशा किधर मानते हैं, ऊपर, तो हमने हमेशा ऊपर मान लिया। अब वो इधर पॉइंट है या इधर पॉइंट है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस टाइप का बीम जो है वो कहलाता है ओवर एंडिंग बीम। समझ में आया? फिलहाल इक्वेशन जल्दी से बताओ, पहली इक्वेशन बेटे क्या बनेगी, आर ए प्लस 100 प्लस आर सी माइनस 200 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन टॉर्क वाली, यहाँ पर जब टॉर्क निकालोगे बोलो आर ए टॉर्क देगा नहीं देगा, 100 देगा, कैसा देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सो इट शुड बी नेगेटिव। आरसी देगा, कैसा देगा, सो माइनस आरसी इनटू 5 इक्वल टू, यहां से आरसी निकाल लो, इसको उठाकर इधर रख दो, आ जाएगा नान
आरसीएम माइनस 300 जो भी है प्लस का 300 माइनस प्लस का प्लस का अरे ऊपर से आप देख लो सही से बस सॉल्व कर दो छोटा सा है तो कोई ऐसा कर तो है कितना आ रहा है जो तो माइनस का है इसका मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा जो प्लस का है वो ठीक है माइनस का अरे मतलब जो भी है वो सॉल्व कर लीजिए पॉइंट पे लगे हैं वो टॉर्क नहीं दे पाएंगे
तो आर ए टॉर्क नहीं दे पाएगा, एच ए भी नहीं दे पाएगा। सिमिलरली 5 cos 30 भी टॉर्क नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो भी ए पॉइंट से होकर जा रहा है। ध्यान से देखो, भाई चलो 8 cos 60 भी टॉर्क नहीं देगा, ये भी यहीं से जा रहा है, ये जो आ रहा है ये भी यहीं पर आ रहा है। तो इस पॉइंट से होकर जितने भी फोर्सेस जाएंगे वो टॉर्क नहीं देंगे, बचे जितने वो सब देंगे। तो पहला टॉर्क मेरे को कौन देगा? 5 sin 30 क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, वैल्यू इतनी है। एक अगला टॉर्क फिर से दिया 8 sin 60 ने, वैल्यू ये। फिर आर भी देगा माइनस का आर भी इंटू 6 इक्वल टू जीरो। क्या ये बात समझ में आई? नीचे से आर भी निकालो, ऊपर रखो आर आएगा और सबसे ऊपर से एच आएगा। तीनों नोट्स आपको एनी डाउट? तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, उसमें कुछ एक दो चीज है उसको अगली क्लास में।